चाहे कोई भी मनुष्य हो, आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था, आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए, वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदल कर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूस पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहाँ पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्रेम भरा अभिवादन। आज अद्भुत पर्व का दिन है। चमत्कार करने वाले एक प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं और वही प्रभु हमारे लिए चमत्कार करके हमें खुशियों से भरते हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसे प्रभु हैं जो दुख में रहने वाले लोगों को खुशियों से भरते हैं। इसलिए जो शब्द प्रभु यीशु ने कहे कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, उसका मैं आपको संदेश देता हूं। तो हमारे प्रियजनों, कोई तो एक चीज है जो आपको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आप इस संदेश को सुन रहे हो। किसी ने तो आपको बताया है कि अद्भुत पर्व कार्यक्रम आ रहा है, टीवी पर आ रहा है, उसे जरूर देखना। प्रभु यीशु आपके लिए जरूर चमत्कार करेंगे और इसीलिए कई लोग सबसे पहली बार इस कार्यक्रम को देखने के लिए टीवी के सामने बैठे हो, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में बैठकर अपने सेल फोन पर इसे देख रहे हो। किसी की हालत बहुत ही खराब है, आपके कोई परिवारजन या आपके प्रियजन हो सकता है, डॉक्टरों ने जवाब दिए दिया है, आप भी दुविधा में हो कि आगे क्या होने वाला है। आपके मन को बुरी तरह से प्रभावित कर देने वाली एक समस्या, एक बीमारी, एक दुख, एक जरूरत, क्या ये कभी खत्म भी होगा? क्या ये कभी सुलझेगा भी? ऐसी एक आशा के साथ आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनका एक दास होने के नाते मैं कहता हूं, आज प्रभु यीशु आपके शोक को आनंद में बदल देंगे। हमारे शोक को आनंद में बदल देने के लिए वो किसी भी प्रकार के चमत्कार को करने के लिए बिल्कुल तैयार प्रभु हैं। बाइबल में उस समय का जिक्र किया गया है जब प्रभु यीशु ने इस संसार में कई सारे चमत्कार किए। उसे इसमें लिखा गया है, वहां पर बुरी तरह से प्रभावित हुए दुखी लोग और भी कई लोग यीशु को ढूंढ कर आए थे, और किसी को भी प्रभु यीशु ने खाली हाथ नहीं लौटाया। उन्होंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि ये मुझसे संभव नहीं है, यहां तक उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम जाकर फिर कभी आ जाना, बस जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा, ऐसा भी कभी यीशु ने नहीं कहा। उन्हें ढूंढकर आए हर एक लोगों के लिए प्रभु यीशु ने चमत्कार किया। कोढ़ के रोग से प्रभावित होकर ऐसे जो लोग आए थे जिन्हें चंगाई की कोई आशा नहीं थी, उन्हें भी यीशु ने चंगा किया। जो पैदाइशी अंधेपन के शिकार थे, जिन्हें फिर से देखने की कोई भी आशा नहीं थी, उस स्थिति के लोगों को भी प्रभु ने चंगाई दी और उन्हें खुशियों से भर दिया था। जो चल नहीं पाते थे, जिन लोगों ने बिस्तर पकड़ लिया था, उस स्थिति में आए हुए लोगों को भी प्रभु यीशु ने चंगा किया और खुशियों से भर दिया। उन्होंने कई अद्भुत चमत्कार किए। कुछ लोग कह सकते हैं, ये तो 2000 साल पहले हुआ, तब प्रभु यीशु तो जीवित थे इस संसार में, तब उन्होंने चमत्कार किया, पर क्या आज ये संभव है? तो यीशु मसीह कल, आज और युगान युग न बदलने वाले हैं। ना ही उनका प्रेम बदला है और ना ही उनका सामर्थ्य बदला है, ना ही उनका वचन बदला है। वो न बदलने वाले प्रभु हैं।
आज इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु यीशु आपसे बात कर रहे हैं। कुछ सालों के पहले गुजरात राज्य में वहां पर जो मिशनरी के रूप में कार्यरत हैं, उन भाइयों ने वहां के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मुझे बुलाया था, तो मैं तब वहां गया था। वहां पर दिन में ही सभा का आयोजन किया जाता है, कई गांव से कई सारे लोग आते थे। रात के समय में यातायात की सुविधा नहीं होने के कारण सुबह 10 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक सभा का आयोजन होता था। वहां पर कोई बड़े हॉल नहीं होते थे, इसलिए खेत के किनारे शामियाना लगाकर वहां के लोगों को खबर दी गई थी। तो तब मैं वहां पर गया था, तब देखिए करीब करीब 10,000 से भी ज्यादा लोग वहां पर थे। एक बहुत बड़ी भीड़ आ गई थी वहां पर। लोग आकर उस शामियाने के अंदर बैठे थे, प्रभु की स्तुति में वो आराधना गीत गा रहे थे। जब उन्हें संदेश देने का समय आया तो प्रभु यीशु के बारे में वो कैसे हैं, वो किस तरह से ऐसे चमत्कार करते हैं, उसके बारे में मैंने एक छोटा सा संदेश दिया और प्रार्थना में उनकी अगुवाई की। मैंने उनसे कहा कि आज प्रभु आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। वहां पर कई सारे लोगों ने सबसे पहले अपने पापों को मान लिया, उन्होंने अपना मन फिराया, क्योंकि वहां पर कई सारे लोग शराब के नशे के आदि थे, चोरी और लूट जैसे पाप में फंसे हुए थे। ऐसे लोगों को जब ये सब पाप है इस बात का पता चला, पहली बार पवित्र शास्त्र के द्वारा जब ये जाना उन्होंने, तब हमारे पाप माफ हो जाए ऐसे आंसू बहाते हुए रोकर प्रार्थना की उन्होंने। उन लोगों को इस तरह से एहसास के साथ प्रार्थना कर देखकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि वो लीन होकर प्रार्थना करने लगे। फिर उसके बाद जब चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तब मैंने कहा कि बीमारी के स्थान पर हाथ रखकर यीशु को पुकारे, प्रभु यीशु जरूर आपके लिए चमत्कार करेंगे। ऐसे जब मैं उन्हें प्रार्थना में मार्गदर्शन कर रहा था, तब उस पूरी सभा में हर एक लोग जो बीमारी से ग्रस्त थे वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो तब वहां पर बचपन से ही पैदाइशी दोनों आंखों से जो देख नहीं सकती थी, एक ऐसी स्त्री जो कि अब युवा बेटी थी, वो अपने आप से कहीं चल फिर नहीं पाती थी, उसकी माँ ही उसे रास्ता दिखाती थी। उस बेटी की माँ उसका हाथ पकड़कर जहां कहीं जाना होता था उसे ले जाती थी। वो अपनी दोनों ही आंखों से देख नहीं पाती थी। उन्होंने बताया कि बचपन में कई जगहों पर ले जाकर अस्पताल में भी दिखाया गया, पर बचपन से ही आंखों की रोशनी ना होने के कारण डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता। अगर बीच में रोशनी गई होती तो शायद कुछ कोशिश कर सकते थे, पर इसमें तो कोई भी आशा नहीं है, ऐसा कह दिया गया। तो अब जीवन भर उसी दुख में रहना होगा। वो बेटी भी दुखी थी, उसकी माँ दुखी थी, उस पूरे परिवार में दुख छाया हुआ था। तो उस बेटी को भी वो माँ जी लेकर आई थी और सभा में अंदर बैठी हुई थी। उस बेटी ने मेरा वो संदेश ध्यान से सुना। जब प्रभु यीशु के बारे में कही गई बातें उसने सुनी, तब उसके अंदर एक विश्वास जागा। प्रभु यीशु ने इतने सारे आश्चर्य कर्म किए, तो निश्चय ही वो मेरे लिए ऐसा करेंगे, विश्वास आया उसमें। तो प्रार्थना के समय में वो बेटी, देखिए, अपनी आंखों पर हाथ रखकर उसने प्रभु यीशु की ओर प्रार्थना की। यीशु को आवाज लगाई उसने, कहा, प्रभु यीशु, जब आप इस संसार में थे तब अंधों को आंखों की रोशनी देकर उन्हें चंगा किया, ऐसा ये प्रभु के दास कह रहे हैं, मतलब आज आप मुझे मेरी आंखों की रोशनी लौटा सकते हो, तो प्रभु यीशु मुझे मेरी दृष्टि लौटा दीजिए। अपनी दोनों ही आंखों में हाथ रखकर उस बेटी ने यीशु की ओर प्रार्थना की। तब लगभग 5 या 10 मिनट प्रार्थना हुई होगी। मैं उस तंबू में वहां दूर खड़ा था और सभी लोग प्रार्थना में लीन थे, वो बेटी भी प्रार्थना में थी। प्रार्थना खत्म हुई और जैसे ही उसने अपनी आंखों से हाथों को हटाया, उसकी दृष्टि लौट आई थी। वो देख पा रही थी, चारों ओर वो देख रही थी, उसे सब नजर आ रहे थे। वो अपनी मां को देख रही थी, पहली बार वो अपनी मां का चेहरा देख रही थी। वो वहां भीड़ के बीच में थी, वो हाथ उठाकर चीखने लगी। वो प्रार्थना खत्म होते ही चीखने लगी। वो जैसे उसने आवाज लगाई, सब लोगों ने यहां वहां देखा कि ये अजीब सी आवाज कौन कर रहा है। तब देखिए वो बेटी आंखों में रोशनी लौट आने की खुशी को जाहिर कर रही थी। तब मैंने पूछा कि उस बेटी के साथ आखिर क्या हुआ है। मैं वहां स्टेज पर था, बहुत ही दूरी पर था मैं,
तब लोगों ने बताया कि उस बेटी को बचपन से ही दिखाई नहीं देता था, आज प्रभु ने उसे उसकी दृष्टि लौटा दी। मैंने उस बेटी को देखा, आज भी उस बेटी का चेहरा मेरी आंखों के सामने है। कितनी खुश दिखाई दे रही थी वो, बहुत ही आनंद में थी। पहली बार वो वहां सभी को देख रही थी कि प्रभु यीशु ने मुझे मेरी दृष्टि दे दी। यीशु बहुत ही अद्भुत है। प्रभु यीशु चमत्कारिक प्रभु है। वो मां कितनी खुश हो गई, पूरा परिवार खुश हो गया। उसका वो खिला हुआ चेहरा, आज भी मुझे वो चेहरा याद आता है। 2000 साल पहले चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु, आज भी वो जीवित हैं, आज भी वो चमत्कार करते हैं। उन्होंने कहा था कि इन लोगों पर मुझे तरस आता है। उन्होंने तरस खाकर बीमारों को चंगा किया। वो चमत्कार क्यों करते हैं? पैसों के लिए नहीं। क्या मुझे पैसे मिलेंगे, क्या आप पैसे दोगे? उसके लिए उन्होंने चमत्कार नहीं किया। क्या सब लोग उनकी वाहवाही करेंगे, क्या लोग मेरी बढ़ाई में बात करेंगे? उसके लिए उन्होंने चमत्कार नहीं किया। तो वचन कहता है, लोगों के लिए प्रभु यीशु ने उन पर तरस खाया। ये लोग जिनकी मैंने सृष्टि की है, वो लोग कितना दुख भोग रहे हैं, दुख में हैं, वेदना में हैं, कष्ट झेल रहे हैं ये। तो तरस खाकर प्रभु ने चमत्कार किया। अपनी सेवकाई के जीवन में इस तरह के हजारों हजारों चमत्कार प्रभु यीशु ने मुझे दिखाए हैं। वही प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित हैं। वो आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा। ऐसा वो आपको देखकर कह रहे हैं। आपका घर ढूंढकर आकर आपके लिए चमत्कार करने वाले प्रभु हैं वो। आपको उन्हें ढूंढकर जाने की जरूरत नहीं है। नंगे पांव चलकर अपने आप को वेदना देने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चों, वो वेदना मैंने क्रूस पर उठा ली है। तुम्हारे लिए नंगे पांव मैंने क्रूस उठाया, मैंने तुम्हारे लिए घावों को झेला है, मैंने अपनी जान दी और तुम्हारे लिए जीवित हो उठा। अब तुम्हें अपने आप को दुख देने की जरूरत नहीं है। आप लोग जहां कहीं भी हो, वो वहां पर से यीशु का नाम लीजिए। उस बेटी ने आखिर क्या किया था? आप मुझे दृष्टि दीजिए, मैं पैसे देती हूं, जमीन जायदाद देती हूं, ऐसा थोड़ी ही ना कहा था। विश्वास, हे यीशु, आप मुझे चंगा कीजिए, ऐसा उस बेटी ने विश्वास के साथ पुकारा और प्रभु ने उस बेटी के लिए चमत्कार किया। ये वही प्रभु है जो आज इस अद्भुत पर्व में भी आप हर एक से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी। वो आश्चर्यजनक हैं, उनके लिए चमत्कारों को बयान नहीं कर सकते। मेरे लिए उन्होंने चमत्कार किया और आज मैं जिंदा हूं तो उनके चमत्कार के द्वारा। ऐसे कितने सारे आश्चर्य कर्म मैंने देखे हैं, इसलिए मैं विश्वास के साथ आज मैं आपसे कह पाता हूं कि आज भी प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, आपके लिए भी करेंगे। आपकी क्या समस्या है? ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको दुखी करता है? वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु के पास समाधान है। वो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपके शोक को वो आनंद में बदल सकते हैं। इसलिए आज का ये अद्भुत पर्व कार्यक्रम है। प्रभु यीशु आपके प्रति अपना प्रेम जाहिर करने के लिए आज भी वो चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। इस बात को आप लोग जान लें, इसलिए आपके शोक को आनंद में बदलने के लिए आज ये अद्भुत पर्व है। तो मेरे प्रियजनों, विश्वास के साथ इंतजार कीजिए। आप जहां पर भी हो, वहां पर यीशु है। क्या यीशु बस नालू मावड़ी में है? अब मेरे सामने तो वो जरूर है, मैं जानता हूं। और वही यीशु आपके घर में, आपके पास में खड़े हैं। वो हर ओर उपस्थित रहने वाले प्रभु हैं। इस पूरे संसार के परमेश्वर हैं, इस पूरी दुनिया के परमेश्वर हैं। वो सिर्फ एक छोटे गांव के प्रभु नहीं है, किसी एक जाति के जुड़े प्रभु नहीं है, किसी एक भाषा से जुड़े प्रभु नहीं है, वो किसी एक गुट के प्रभु नहीं है। वो
पर इस पूरे संसार के परमेश्वर हैं प्रभु यीशु। इसलिए तो उन्हें जगत के उद्धारकर्ता के नाम से पुकारा जाता है। आपका भी उद्धार किया है उन्होंने, आपकी सृष्टि करने वाले प्रभु हैं वो। इसलिए तो बड़े ही प्रेम से आपके लिए चमत्कार करने के लिए आपके घर में पास खड़े हैं वो। मेरे नाम में यदि दो या तीन या उससे ज्यादा जहां पर भी इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं उपस्थित हूं, ऐसा प्रभु यीशु वचन देते हैं, ऐसा पवित्र शास्त्र में कहा गया है। वो झूठ बोलने वाले प्रभु नहीं है। अभी आपके घर में, आपके पास में प्रभु यीशु हैं। आप जहां कहीं से इस कार्यक्रम को देख रहे हो वहां पर यीशु आपके सामने खड़े हैं। और क्यों? वो आपके पास में है ताकि आप जब पुकारो वो आपके लिए चमत्कार करें। विश्वास के साथ पुकारोगे तो वो चमत्कार करेंगे। आश्चर्यजनक प्रभु हैं वो। मेरे प्रियजनों, सबसे पहले उनकी स्तुति में आराधना गीत गाकर हमारे हृदय को तैयार करेंगे। हमें उनसे मिलने के लिए, उनसे चमत्कार पाने के लिए हमारे हृदय को तैयार करना होगा। हमारे अंदर एक विश्वास आएगा, तभी हम चमत्कार देख पाएंगे। तो बस एक कार्य की प्रतीक्षा करते हैं, वो है विश्वास। उसके बाद तीन गवाहियों को हम लोग देखने जा रहे हैं। उनमें से दो परिवारजन तो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं गवाही देने के लिए। उनके जीवन में जो कुछ हुआ है वो आप देखने जा रहे हो। उसके बाद प्रभु का संदेश। देखिए, इंसान के शब्दों में कुछ नहीं रखा है। मोहन लाजरस के बोलने से क्या होता है? प्रभु यीशु के शब्द ही चमत्कार के लिए आते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र में से हम उनके वचनों पर ध्यान करेंगे। इस बाइबल से मैं यहां अपनी बातें रखने या अपने सिद्धांतों के बारे में बोलने के लिए नहीं आया हूं। कई लोग सिद्धांत बताते हैं, कुछ समय आप ताली बजा सकते हो, लेकिन उसका फायदा क्या है? कुछ ही देर में उसे भूल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन सामर्थ्य और जीवन से भरा है। इसमें जीवन है। ये वचन बातें करता है। ये वचन एक व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। ये वचन बीमारों को चंगा करता है। ये वचन डर से आपको छुटकारा देता है। ये वचन एक व्यक्ति के जीवन के शोक को आनंद में बदल देता है। इस वचन में जीवन है, इसमें सामर्थ्य है। उस यीशु की बातों को आपको बताकर मैं प्रार्थना करूंगा। अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर संपर्क करके अपनी प्रार्थना विनती बताइए। इस समय आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर आप संपर्क करके आपकी प्रार्थना विनती बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे प्रार्थना वीर तैयार हैं। वो सामर्थ्य प्रार्थना होगी। प्रभु यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे। इसलिए आप अपनी प्रार्थना विनती भेजिए और इस समय हम एक गीत गाएंगे और यीशु के नाम की महिमा करने वाले हैं। हमारे विश्वास को प्रकट करके हमारे हृदय को हम लोग तैयार करेंगे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबका स्वागत करते हैं इस फेस्टिवल में जो परमेश्वर की ओर से रखा गया है। आइए मिल करके हम प्रभु यीशु के नाम की महिमा करें, उसकी जय जयकार करें। वो विजय होने वाला परमेश्वर है, उसने मौत को हराया है और इसीलिए तो वो सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। आइए मिलकर के हमारे साथ गाएं, विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ। ये मिलकर के हम इस गीत को गाएं, सब मिलके गाएंगे, विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ। उसने शैतान को हराया है और वो विजय हुआ है। आइए मिलके गाएं, विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ।
कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने शैतान के सिर को कुचला है। मृत्यु पर विजय हो करके उसने हमें विजय जीवन दिया है। आइए जय जयकार करते हुए इस विजय घोषणा को करते हुए हमारे साथ मिलकर के गाएं। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजय होकर हमें विजय जीवन दिया। आइए मिलकर के गाएं। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजय होकर विजय जीवन दिया। हल्लेलुया हल्लेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हल्लेलुया हल्लेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। मिलके गाएंगे। विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। मैं विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शत्रु के सारे अधिकारों पर, उसके सारे शक्ति पर अधिकार हमें दिया गया है। यहोवा निशी है, वो हमारा विजय देने वाला परमेश्वर है। आइए उसकी प्रशंसा करें। सब मिलके गाएंगे। शत्रु की हर एक शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निशी हमारा है, विजय देने वाला। ये मिलके गाएंगे। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निशी हमारा है, विजय देने वाला। हल्लेलुया हल्लेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हल्लेलुया हल्लेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। गाएंगे मुखे। विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। हालेलुया, हमारा यीशु विजय हुआ। और ना सिर्फ विजय हुआ है, लेकिन हमारा यीशु हमें भी विजय देने वाला है। और इसलिए हम गाएंगे, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आइए मिलकर के हमारे साथ गाएं। वो ना सिर्फ खुद जय पाया, वो हमें और आपको विजय देने वाला परमेश्वर है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे,
आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हमारा यीशु आने वाला है। हालेलुया, वो जीवित है और वो आने वाला है। और इसलिए आइए हम उसकी आराधना करें, अपने हाथों को उठा करके उसकी प्रशंसा करेंगे। हम गाएंगे, जीवित यीशु की आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, आइए हम उसकी आराधना करें। दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से आइए हम उसकी आराधना करें। जीवित यीशु की आइए हम आराधना करें। हालेलुया, आइए दिल की गहराई से हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। हाथों को उठा करके गाएंगे हमें, अनुग्रहकारी पिता हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हमसे बातें कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमेन आमेन आमेन। क्या आप लोग दुखी हो कि मेरा कोई नहीं है? मुझे समझने के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए, मेरी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है? क्या आप लोग ऐसा सोचकर अकेले में रो रहे हो? क्या अकेले बहुत अफसोस कर रहे हो कि मैं क्यों जीऊं? क्या मैं खुदकुशी कर लूं? अब सहन नहीं होता। क्या आप लोग ऐसे दुखी हो? आप लोगों के लिए कोई है। यीशु नाम के आश्चर्यजनक परमेश्वर, उन्होंने ही आपकी सृष्टि की है। उन्होंने क्रूस पर आपके लिए अपनी जान दे दी, क्रूस पर अपना लहू बहाकर पाप के लिए और शाप के लिए एक प्रकार का प्रायश्चित बन गए थे। वो प्रभु हैं आपके साथ, आपके शोक को आनंद में बदलने के लिए, आपको चंगाई और छुटकारा देने के लिए वो प्रभु हैं। आपको उन्हीं की ओर देखना है। कई लोग देखिए ये गलती कर देते हैं कि वो लोग यीशु का संदेश देने वाले प्रभु के दास को देखते हैं।
अगर आप लोग मोन लाजरस को देखकर कहते हो कि भाई हम आपके ही भरोसे आए हैं, तो आपके लिए चमत्कार नहीं होगा। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, यीशु पर मेरा भरोसा है, ऐसा कहोगे तो चमत्कार होगा। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं, अगर कल मर जाऊं तो मुझे दफना दिया जाएगा, बस सब कुछ खत्म। पर प्रभु यीशु मरकर भी जीवित हुए प्रभु हैं, आपको अपना विश्वास उन पर रखना होगा। और वही हैं जिन्होंने मेरे लिए जान दी और जी उठे, वो ही हैं जो मेरे लिए चमत्कार कर सकते हैं। मैं तो बस उनके बारे में जानकारी देने वाला एक सेवक हूं, यीशु के बारे में बताने वाला मैं प्रभु का बस एक दास हूं, यीशु को अपने ऊपर लेकर चलने वाला एक गधा, बस उतना ही। क्या एक गधा चमत्कार कर सकता है? प्रभु यीशु ही चमत्कार कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ यीशु के बारे में बता सकता हूं, कैसे प्रभु यीशु से आप लोग चमत्कार पा सकते हो उसे मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं, पर जब आप उनकी ओर देखोगे तभी आपके लिए चमत्कार होगा। तो देखिए, वो प्रभु यीशु आज आपके बिल्कुल पास हैं, आप जहां कहीं भी हो वहां पर यीशु उपस्थित हैं। जब आप लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो तब आपके लिए चमत्कार करने के लिए वो तैयार हैं। क्या ये सच है? आप ऐसा सोच सकते हो? अब हम कुछ गवाहियां देखेंगे। अब देखिए प्रभु यीशु किस तरह के चमत्कार कर सकते हैं, उसके लिए तीन गवाहियां हैं जो इस समय आप लोग देखने जा रहे हो। सबसे पहले एक भाई अपने जीवन में हुए उस चमत्कार के बारे में बताएंगे, उसे हम देखने वाले हैं। 35 सालों तक एक पाप ने उन्हें अपना दास बनाया था, उसमें से प्रभु यीशु ने उन्हें छुटकारा दिया और कैसे उनके शोक को आनंद में बदल दिया, इसके बारे में वो बता रहे हैं। उनका नाम है मोहनदास, ऊटी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके जीवन में क्या हुआ, प्रभु यीशु ने उनके जीवन में क्या चमत्कार किया, उसके बारे में उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। मेरा नाम है मोहनदास, मेरे दो बेटे हैं और हम लोग ऊटी में रहते हैं। 35 साल से मैं शराब के नशे का आदी था, दिन के 3 या 4 क्वार्टर पीता था। बिना शराब पिए मैं नहीं रह पाता, एक दिन भी मैं बिना शराब पिए नहीं रहा। अच्छा कमाते तो थे, लेकिन काम पर जाकर हर बार जब शाम को घर लौटते थे तब शराब पीकर ही आते थे। जो कुछ कमाते थे सब शराब में ही उड़ा देते थे। शराब पिए बगैर मैं पागल जैसा हो जाता, पीने का वक्त होता तो बिना पिए नहीं रह पाता। मुझे घर आता देख कर मेरी बीवी और बच्चे डर जाते थे, वो सोचते अरे आ गया शराबी, अब पता नहीं क्या होगा। मैं जितना भी स्वादिष्ट खाना बनाती थी पर उन्हें पसंद नहीं आता था, और खाने पीने को लेकर काफी बिगड़ते थे और बहुत ही अत्याचार किया करते थे। शराब पीने के बाद वो घर पर नहीं रहने देते, घर से बाहर जाने के लिए कह देते और फिर घर के अंदर से दरवाजा बंद कर लेते। तो महीने के 30 दिनों में से आधे समय तो हम लोग घर से बाहर ही रहते थे। शराब पीकर आते और मुझे पीटते थे, घर की सारी चीजें तोड़ते थे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी भी उन्होंने तोड़ दी थी, बहुत नुकसान करते थे। मेरे पिताजी को हमारा प्रार्थना करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो घर आने से पहले ही हम प्रार्थना कर लेते। अगर कभी कभार पता लग भी जाता तो हमें घर से बाहर निकाल देते थे, बाइबल फेंक देते, कई बार तो उसे कीचड़ में भी फेंक दिया था उन्होंने, बाइबल को फाड़ भी देते। और उन्हीं दिनों में लॉकडाउन लग गया था, और तब मेरी बहनों ने मुझे बताया कि लॉकडाउन के समय में भाई मोहन सी लाजरस प्रार्थना का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो तुम भी उसे देखना। तो तब से मैं निरंतर ही बिना चूके जिस दिन से वो कार्यक्रम शुरू हुआ तब से मैं लगातार देखने लग गई थी। उनके संदेश में हर एक शब्द ऐसा लगता था कि हमारे लिए ही है। तो बहुत ही एक फीलिंग के साथ मैं वो एहसास करते हुए जैसे वो हमें बताते थे वैसे मैं प्रार्थना करती थी। 16 अक्टूबर 2022 में एक दिन जब बहुत ही शराब के नशे में वो घर लौटे, उसी समय टीवी पर भाई मोहन सी लाजरस आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय मैंने अपने पति के सिर पर हाथ रखकर उनके लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना की। मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरे पति का उद्धार कीजिए, उन्हें शराब के नशे से पूर्ण छुटकारा दीजिए। उस प्रार्थना के बाद एक बहुत ही आश्चर्यजनक बदलाव हुआ, उस दिन के बाद से कभी भी शराब पीने की इच्छा नहीं हुई। और अब मेरे पति बिल्कुल भी शराब नहीं पीते हैं, ना ही मुझे पीटते हैं, ना ही चीजें तोड़ते हैं, और मेरे साथ और बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं।
अब शराब छोड़कर एक साल से ऊपर हो गया, मुझे शराब की याद तक नहीं आती अभी। अब तो वो बहुत ही खुश है। अब वो ऐसे बन गए कि हम सुबह 10 बजे चर्च के लिए निकले तो वो हमसे पहले ही चर्च के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे आमतौर पर हम लोग 10 मिनट से आधे घंटे प्रार्थना किया करते थे, तो मेरे पिताजी आधे घंटे से एक घंटे तक प्रार्थना किया करते हैं, वो भी लगातार। हमें भी बुलाकर प्रार्थना में बिठाते हैं। जब हम कहते हैं कि नहीं हम जाकर आते फिर प्रार्थना करेंगे, तो वो कहते हैं कि पहले प्रार्थना पूरी करो उसके बाद अपने काम पर जाओ। 35 साल के शराब की आदत से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए कितना बड़ा चमत्कार, यही प्रभु यीशु द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा चमत्कार है, द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ जीसस। और यही होता है एक व्यक्ति को पाप के बंधन से मुक्त करना, यह बस प्रभु यीशु से ही संभव है। अब जरा सोचकर देखिए, 35 सालों से एक व्यक्ति जो शराब के नशे का आदी था, उसे बस एक ही दिन में पूरी तरह से परिवर्तित कर देना, कितना बड़ा चमत्कार है। वो सिर्फ यीशु से ही संभव है। आप जरा सोच कर देखिए, उनके शराब के कारण वो खुद प्रभावित हुए, पैसों की बर्बादी, शारीरिक समस्या, पूरे परिवार में दुख छा गया था, पत्नी रोती रहती थी, बच्चों को वेदना और अपमान, उन्हें घर से बाहर निकलकर वो दरवाजा बंद कर देते थे, बाइबल उठाकर फेंक देते थे, उन्हें खुद पता नहीं था क्या करते थे, घर की चीजें तोड़ देते थे। आपने देखा पाप एक इंसान पर कितना बुरा प्रभाव डालता है। आपने उनकी गवाही सुनी, आप भी किसी नशे के आदि हो सकते हो, किसी नशीली चीजों का सेवन करते हो, वो बुरा प्रभाव डाल रहा है। अब समस्या यह है कि आप इसे छोड़ नहीं पा रहे। 35 सालों का आदि बन चुका हूं, कैसे छोड़ सकता हूं, नहीं छोड़ पा रहा हूं मैं, वही तो समस्या है। प्रभु यीशु आपको छुटकारा देंगे और उसीलिए तो वो आए हैं, एक इंसान को पाप से मुक्त करने, उन्हें शांति प्रदान करके, उन्हें आशीष देने के लिए। बस एक दिन उनकी पत्नी ने उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की और उस प्रार्थना को यीशु ने सुन लिया। उनकी पत्नी की आंसू ने और बच्चों की प्रार्थना ने सब बदल दिया। इसलिए अगर आपके घर में अगर कोई इस तरह से प्रभावित हैं, तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, आपको वो बोझ होना चाहिए। देखिए कुछ लोग आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, मैं पूछता हूं परिवारजन आए हैं क्या, क्या आप सभी लोग प्रार्थना करते हो? अगर उस परिवार का कोई भी बोझ के साथ, जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना करें तो प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। बेटा बीमार हो जाए तो पिताजी यीशु को खोज कर आते हैं, उस पिताजी के आंसू के कारण प्रभु यीशु चमत्कार करते हैं। अगर बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो तो माँ जिम्मेदारी उठाकर प्रभु यीशु के पास आकर आंसू बहाकर प्रार्थना करती है तो यीशु चमत्कार करते हैं। जब सूबेदार का सेवक घर में बीमार था तो सूबेदार जिम्मेदारी के साथ आकर विनती करते हैं, तो देखिए ऐसे उठाते हैं जिम्मेदारी। अगर आपके परिवार में कोई पाप में गिरा हो तो आपको जिम्मेदारी उठाकर उनके लिए प्रार्थना करनी होगी। अगर कोई पति शराबी हो तो उनकी पत्नी प्रार्थना तो दूर पर लगातार उन्हें कोसती रहती है, बस इतना ही, ऐसे नहीं आएगा परिवर्तन। जब आप जिम्मेदारी उठाकर प्रार्थना करने लगते हो, प्रभु उन्हें स्पर्श करेंगे, तो उनसे प्रेम कीजिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो जानबूझकर सामान तोड़ रहे हैं, जानबूझकर पत्नी को पीटते हैं, वो तो व्यसन के कारण पाप के दास बन चुके हैं। और इसलिए क्योंकि वो उस व्यसन में से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, उनमें गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है और परिवार के लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं। पर प्रभु यीशु उनसे भी प्रेम करते हैं, किसी भी शराबी को प्रभु त्यागते नहीं हैं, वो उनसे भी प्रेम करते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या कोई प्रार्थना करेगा। तो आज मेरे प्यारे भाई, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, आपसे आज वो बातें कर रहे हैं, आज आपके लिए छुटकारा का दिन है। आप कहिए प्रभु यीशु आपने इस भाई को छुटकारा दिया है, 35 साल से शराब के जो आदि थे उन्हें एक पल में छुटकारा दिया, उसके बाद उन्हें शराब पीने की इच्छा भी नहीं हुई, ऐसे एक छुटकारा देना प्रभु यीशु से ही संभव है। और जानते हो वो क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया है। जिसने पाप के लिए प्रायश्चित उत्पन्न किया है वही पाप को क्षमा कर पाएंगे। पैसे या कुछ और देकर बिल्कुल पाप की क्षमा नहीं कर पा सकते हो, गलत धारणाएं आपको सिर्फ भरमा सकती हैं। इसलिए जो सही है उस पर विश्वास करके अगर आप प्रार्थना करते हो तो आपके जीवन में चमत्कार होगा आज ही। देखिए आज जो परिवार कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, उनका जवान बेटा कितना खुश होकर बता रहा था कि मेरे पिता अब हमसे भी ज्यादा प्रार्थना करते हैं। देखिए प्रभु ने स्थिति को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। जो लगातार शराब के नशे में रहता था उसे आज घंटों तक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति बना दिया है। ऐसे परिवर्तित करते हैं प्रभु, ये है चमत्कारिक परिवर्तन। प्रभु आपके लिए भी ऐसा करेंगे। 2022 में ये चमत्कार हुआ उनके साथ
और आज 2024 है, 2 साल हो गए और आज तक उन्होंने शराब को स्पर्श तक नहीं किया। यही वो छुटकारा है जो प्रभु यीशु देते हैं। प्रभु आपके लिए भी ऐसा करेंगे, आपके जीवन में प्रभु ऐसा करेंगे। आज आपको जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना करनी होगी। हो सकता है आपके शराबी पति या आपका शराबी बेटा या नहीं वो बाहर चला गया है, कोई बात नहीं। आज आप आंसुओं के साथ आपके बेटे के लिए, आपके पति के लिए या फिर आपके दूसरे परिवारजन जो पाप के दास बन चुके हैं उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु ने स्पर्श करेंगे। एक और गवाही अब हम देखने जा रहे हैं। ये और एक अद्भुत गवाही है। ये गवाही है कन्याकुमारी के गांव में रहने वाले परिवार की, जहां पर बहन विजिला अपने परिवार में अपने बेटे के साथ हुए उस चमत्कार के बारे में बता रही है। आप इस गवाही को देखिए। मेरा नाम विजिला और मार्तणम में रहती हूँ। शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। मेरे पति बिजनेस करते हैं और हम लोग आरसी कलीसिया से जुड़े हैं। मेरा बेटा अब 10वीं में पढ़ रहा है और साल 2023 में जुलाई के महीने में उसके साथ शैतान का काफी संघर्ष चल रहा था। शैतान के उस संघर्ष के कारण तब से वो बिल्कुल स्कूल नहीं जा पा रहा था। जब वो दुष्ट आत्मा मेरे बेटे के शरीर पर प्रबल होता तब उसे बहुत कष्ट होता। वो समझ नहीं पाता था कि क्या करे। उसे बाइबल अच्छा नहीं लगता था, बाइबल को वो फेंक देता था, प्रार्थना करना भी पसंद नहीं था, तो काफी समस्या बढ़ गई। फिर कुछ दिन के बाद तो ऐसा हुआ कि घर में वो हमें पीटने लग गया। मुझे पहचान नहीं पाता था, पिताजी को नहीं पहचानता था, छोटी बहन को भी पहचान नहीं पा रहा था। जब उसके शरीर में दुष्ट आत्मा आ जाती तो 15-20 लोगों की शक्ति आ जाती थी। 5 या 10 लोगों से उसे काबू करना मुश्किल था और उस समय वो छत पर चले जाता, वहां से कूदने के लिए तैयार हो जाता। वहां से पकड़कर उसे कमरे में ले आए तो भी वो फिर से छुड़ाकर ऊपर भाग जाता था। उसके लिए जब मैं खाना लेकर जाती तो वो बस उसे ऐसे ही झटक दिया करता था कि नहीं चाहिए। बहुत परेशानी होती थी। इस समस्या के चलते हमें उसके हाथ और पांव दोनों को बांध देना पड़ा। मानसिक रूप से मैं बहुत ही प्रभावित हुई। मैं सोचती थी कि सभी बच्चे अच्छा खेल कूद रहे हैं और मेरा बेटा इस तरह दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो गया है, इतनी पीड़ा झेल रहा है। हे प्रभु, मेरे बेटे को एक छुटकारा नहीं मिलेगा, ऐसे मैं प्रार्थना करती थी। आज भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो बहुत डर लगता है। और उन्हीं समस्याओं के बीच में सितंबर 2023 में मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा कि टीवी पर आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम आता है, आप वो कार्यक्रम देखिए, आपको निश्चय ही छुटकारा मिलेगा। तो हम उसे देखने लग गए। भाई मोहन दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना किया करते थे। तब मैंने भी उनके साथ ही मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा बेटा भी बुरी तरह प्रभावित है, इस दुष्ट आत्मा के संघर्ष से आप ही मेरे बेटे को छुटकारा दीजिए, ऐसा मैंने कहा। हमने इस कार्यक्रम में कितने सारे लोगों की गवाही सुनी है कि आपने उन्हें चंगा किया है। आपने मेरे बेटे को अगर छुटकारा दे दिया तो प्रभु निश्चय ही मैं भी आपके लिए एक गवाही बनकर खड़ी रहूंगी। मैं लगातार ऐसा कहते हुए प्रार्थना करती और उसी समय मेरे शरीर में से मैंने एक काली दुष्ट आत्मा को बाहर निकलते हुए महसूस किया। उस दिन की प्रार्थना के बाद से मेरे बेटे में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। जिस बाइबल को उसने पहले उठाकर फेंक दिया था उसी बाइबल को उठाकर वो फिर से पढ़ने लगा। मैं बहुत ही खुश हुई। फिर वो प्रार्थना करने लग गया और मेरी सारी बातें मानने लग गया। अभी वह कहीं भागता नहीं है, स्कूल जाता है, बराबर घर लौटता है, कोई समस्या नहीं है, सब खुश है अब। अब 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, मेरे बेटे में अब दुष्ट आत्मा का कोई संकेत नहीं। अब मुझे बिल्कुल डर नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। अब मेरे बेटे के जीवन में इतने बड़े चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। कितना बड़ा चमत्कार। इस संसार में 2 प्रकार का सामर्थ्य है। एक तो है परमेश्वर का सामर्थ्य, वो छुटकारा देने वाला सामर्थ्य है, चंगाई देने वाला सामर्थ्य, धीरज बांधने वाला सामर्थ्य, हमें आशीष देने का सामर्थ्य। एक और सामर्थ्य है और वो है शैतान का सामर्थ्य। बाइबल कहता है कि यीशु उन सबको जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें अच्छा करता फिरा। ऐसे प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 में लिखा गया है।
प्रभु यीशु जब इस संसार में थे तो ऐसे कई लोग जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे उन्हें प्रभु ने छुटकारा दिया। आज भी वो शैतान, वो दुष्ट आत्मा कार्यरत है। वो अपने आप को शैतान नहीं पर अपने आप को ईश्वर बताएगा। देखिए, शैतान खुद को ईश्वर बताएगा। वो ऐसा कहता है क्योंकि लोग डरे और उसकी आराधना करे। वो लोगों को दास बनाता है। यहां आओ, वहां आओ, ये लाओ, वो लाओ, ऐसे कहकर वो लोगों को दास बनाता है। पर प्रभु यीशु ने क्या आपसे पैसे दान में मांगे, क्या चीजें लाने के लिए कहा? बिल्कुल नहीं। बेटे, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? बस उतना ही, उन पर विश्वास करके उनसे प्रेम करो तो वो चमत्कार करेंगे। अगर आपको इस गवाही को लेकर कोई संदेह है तो चमत्कार पाए, वो परिवारजन हमारे बीच हैं। अब यहाँ पर हम उस परिवार को बुलाने जा रहे हैं, वो हमारे बीच में है। ये देखिए, यही वो माँ जी हैं जिन्होंने अपने बेटे के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना की। आज ये पूरा परिवार हमारे बीच में है। यहाँ उनकी छोटी बेटी भी आई हुई है। बेटी, यहाँ आओ। तुम्हारा नाम क्या है? ज्योतिषा। ज्योतिषा। ज्योतिषा, कौन सी क्लास में हो? चौथी में हूँ। चौथी क्लास। हाँ। जब तुम्हारा भाई प्रभावित हुआ तब क्या वो तुम्हें पीटता था? हाँ। हाँ। अच्छा, तो अब कैसा है वो? अभी ठीक है। ठीक है। हाँ। उसे किसने चंगाई दी? प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु ने चंगाई दी। वाह, बहुत बढ़िया बेटा। बेटा, तुम क्या पढ़ रहे हो? अब 11th में हूँ। हाँ, 11th में हूँ। अभी 11th में? हाँ। हो। अच्छा, आपका बेटा जो प्रभावित हुआ तब आपको बहुत ही तकलीफ हुई? बहुत ही तकलीफ हुई। मेरे बेटे ने जितनी भी पीड़ा उठाई उसे देखकर मैं बहुत ही रोया करती। तो मेरे परिवार में से दो लोगों की जान लेनी है ऐसे वो दुष्ट आत्मा मेरे बेटे से बोलती थी। अच्छा, इसके द्वारा दुष्ट आत्मा बात करती थी? बात की कि वो आपके परिवार में से दो लोगों की जान लेने वाला है। और शैतान ऐसा बात करता था कि इस महीने के अंत में तुम्हारे पति को और अगले महीने के अंत में तुम्हारे बेटे रोजित को लेकर जाऊंगा, एक एक करके परिवार का नाश करूंगा, सब तबाह कर दूंगा, और हम जो व्यवसाय करते थे उस व्यवसाय का नाश करूंगा। और भी लगातार वो दुष्ट आत्मा बोलती थी ऐसा। हाँ, उसमें से वो दुष्ट आत्मा बात बिल्कुल करती वैसे थी। बात करती थी वो। अब हमारे पास दो गाड़ियां हैं और वो इस गाड़ी को भी आग लगा दूंगी, ऐसे वो दुष्ट आत्मा हमेशा मेरे बेटे के द्वारा बोलती थी। हमें समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। बहुत ही कष्ट सहा, रो कर प्रार्थना किया, फिर भी उसका कोई प्रतिफल नहीं मिला। फिर किसी ने कहा कि इसके नस में शायद कोई समस्या है। फिर हम अस्पताल लेकर गए, स्कैन भी कराया। स्कैन निकाल कर देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि शारीरिक रूप से इसमें कोई भी समस्या नहीं है। स्कैन में तो सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। तो उन्हीं समयों में हमारे एक मित्र ने हमसे कहा कि टीवी पर आओ, प्रार्थना करे कार्यक्रम आता है, तो आप लोग उसे देखिए और निश्चय ही आपको एक छुटकारा मिलेगा। फिर मैंने वो कार्यक्रम देखना शुरू किया और उसमें आपने जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है उन लोगों के लिए प्रार्थना की, बोझ के साथ और आंसुओं के साथ आपने उसमें प्रार्थना की। और ठीक उसी समय मैंने भी अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की कि प्रभु मेरे बेटे को छुटकारा दीजिए, मैं भी आपके लिए गवाही बनकर रहूंगी, ऐसी रोते हुए बोझ के साथ प्रार्थना की। ठीक उसी समय मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि माँ, मेरे शरीर में से मैंने कोई काले साए को निकलते हुए देखा, और उसकी ये बातें सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गई। तब से इसे छुटकारा अच्छा मिल गया। तो इसके अंदर से दुष्ट आत्मा लगातार धमकियां दे रही थी कि आपकी जान ले लूंगा, नुकसान करूंगा, आपको डरा रहा था। तो मैंने जब कहा कि ऐसे लोगों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करो तो आप में वो हिम्मत कैसे आई? वो तो आपको प्रार्थना करते हुए मैंने देखा, इसीलिए मुझ में भी अच्छा, एक हिम्मत आ गई थी। हाँ, बिल्कुल। तब प्रार्थना शुरू करते ही मुझ में एक विश्वास आ गया कि मेरा बेटा जरूर छुटकारा पालेगा। इसलिए पूरे विश्वास के साथ, लेकिन मैंने आंसुओं के साथ प्रार्थना की और प्रभु ने कार्य किया। माँ ने जो प्रार्थना की तब तुम्हारे साथ क्या हुआ? मुझ में से काले दुष्ट आत्मा निकली। एक काली दुष्ट आत्मा? हाँ। बाहर निकली। क्या तुमने उसे देखा? हाँ। देखा? हाँ। और फिर सब ठीक हो गया? हाँ, ठीक हो गया। अब बिल्कुल स्वस्थ हो? हाँ। बहुत बढ़िया। भाई, आप क्या करते हो? मेरा खुद का व्यवसाय है। व्यवसाय है? हाँ। अब आप खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। प्रभु की स्तुति। लेकर बहुत ही परेशान थे? हाँ, बेटे के कारण मैं बहुत ही चिंतित था। कई महीनों से वो स्कूल नहीं जा पाया। हाँ हाँ। इसीलिए बहुत ही परेशानी हुई। उसकी चंगाई के लिए मैं उसे कई जगह ले गया, कोशिश की, और प्रभु ने मेरे बच्चे को एक छुटकारा दिया। छुटकारा दे हाँ, दिया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखिए, इस गवाही पर ध्यान दीजिए। शैतान किस तरह से आज संसार में कार्य करता है। कुछ लोग कहेंगे कि शैतान वैतान कुछ नहीं होता, 21वीं सदी में ऐसा कौन मानता है। पर आप विश्वास करो या मत करो, सब कुछ सच है।
बस उतना ही। ये वही लोग हैं जो प्रभावित हुए और छुटकारा पाया वही आए हैं। ये जो कुछ बता रहे हैं वो उनका अपना अनुभव है। और ये बहन जब अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी तब शैतान इसमें से बोल रहा था कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हारा नाश कर दूंगा, ऐसी धमकियां दे रहा था। लेकिन देखिए इन्होंने हिम्मत के साथ हाथ रखकर प्रार्थना की, प्रभु यीशु पर विश्वास किया। आज कई लोग घबराते हैं। अगर प्रभु यीशु आपके संग हैं तो आप डरोगे नहीं। किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप डांटोगे तो वो चुप हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी। देखिए इस माँ जी ने जब उस पर हाथ रखकर प्रार्थना की तब एक काली दुष्ट आत्मा इसमें से बाहर निकल कर आई और उसने छुटकारा पा लिया। ये दुष्ट आत्मा का बंधन है। आज आप खुद के लिए प्रार्थना करें, पहले प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। प्रभु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मेरे मन में आइए, मुझे बल प्रदान कीजिए। ऐसे कहकर आपके घर में प्रभावित लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना तो कीजिए, निश्चय ही प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। आज देखिए ये परिवार कितना खुश होकर यहाँ गवाही देने के लिए आया है। इस परिवार के शोक को परमेश्वर ने आज आनंद में बदल दिया। आज आपका शोक भी आनंद में बदल देंगे वो। आप यहाँ पर आए, हमें बहुत खुशी हुई। आज संसार के सभी देशों में लाखों लाख लोग इसे देख रहे हैं। आपके द्वारा वो भी मन में विश्वास पा रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपने परमेश्वर के चमत्कार को देखा। प्रभु यीशु आज भी छुटकारा देते हैं, वो चमत्कार करते हैं। ये अंत का समय है, बेदारी का समय है। परमेश्वर एक अलग रूप से कार्य कर रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। देखिए एक समय था जब कोई बीमार हो या दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो तब प्रभु के सेवक आते थे, उनकी प्रार्थना करने से छुटकारा मिलता था। और यही हमारी पुराने समय से धारणाएं हैं। मेरे लिए भी तो एक भाई ने आकर प्रार्थना की तभी चमत्कार हुआ। लेकिन देखिए अब अंत का समय है, बेदारी का समय है। प्रभु साधारण लोगों के द्वारा असाधारण कार्य कर रहे हैं, ये उन्होंने पहले ही बता दिया था। मैंने जब बेदारी के बारे में बात कही है तब मैंने कहा है कि आज वो पूरी बात हो रही है। आप खुद देखिए, एक पत्नी के अपने पति के लिए उनकी शराब के नशे से छुटकारा के लिए हाथ रखकर प्रार्थना की और छुटकारा पा लिया। एक माँ ने अपने बेटे के लिए दुष्ट आत्मा से छुटकारा के लिए प्रार्थना की और छुटकारा पा लिया। ऐसा किसने किया? यीशु ने। यहाँ पर कोई इंसान जरूरी नहीं है, बस यीशु जरूरी है। आपको उन्हीं पर ध्यान देना है। एक समय था जब लोग प्रभु के सेवकों पर ही निर्भर रहा करते थे, अब वो समय बदल चुका है। प्रभु के सेवकों से मेरा अनुरोध है, आप मेरे इस बात को गलत मत समझिए। मैं बस कहना चाहता हूँ कि एक साधारण विश्वास करने वाले लोगों के द्वारा प्रभु चमत्कार करते हैं, तो आप जो प्रभु के सेवक हो आपके द्वारा कितने बड़े चमत्कार करेंगे वो, आप उसका विश्वास कीजिए। तो जब एक पास्टर एक इवेंजलिस्ट से विकाय करते हैं तो निश्चय आपके द्वारा वो कितने बड़े कार्य कर रहे होंगे। प्रभु पर विश्वास करके प्रार्थना करने वाली वो माँ, वो बहन, उनके द्वारा प्रभु ने कितने बड़े चमत्कार किए। तो इसे देखकर आप सभी सेवकों को भी उठना होगा, क्योंकि प्रभु आपके जरिए इससे भी बड़े चमत्कार अवश्य करेंगे। देखिए प्रभु यीशु कितने चमत्कारिक प्रभु हैं। एक पूरे परिवार को खुशियों से भरा, प्रभु की स्तुति हो। हम अब एक और गवाही देखेंगे। कोयम्बटूर से एक बेटी की गवाही है, रेशमा, जो एक युवा बेटी है। उसके जीवन में क्या हुआ, क्या चमत्कार पाया उसने, उसके बारे में वो गवाही दे रही हैं। और उस गवाही को देखते समय मेरा हृदय पूरी तरह टूट गया। एक युवा बेटी जिसने अपनी युवावस्था में बहुत ही पीड़ा सही, वो अब आपके सामने अपना अनुभव, अपनी गवाही को बांटने जा रही है। चलिए गवाही देखते हैं। मैं हूँ रेशमा, कोयम्बतूर में रहती हूँ। पिताजी की ईबी में नौकरी है, माँ हाउसवाइफ है, मेरे दोनों बड़े भाई काम करते हैं। मैं अब सेकेंड ईयर कॉलेज में हूँ। साल 2023 के अगस्त महीने में मेरी तबीयत खराब हो गई। दिन में करीब करीब 40 बार उल्टियाँ होती, उल्टी करके इतनी थक जाती थी, फिर खाने का भी मन नहीं होता था। और ठीक से खाना न खाने के कारण वेट लॉस होने लगा, बहुत ही वजन कम हो गया था मेरा। एक घूंट पानी भी पी लूं तो 10 बार उल्टियाँ हो जाती थी। एक ग्लास जूस पी लिया तो दिन भर वो उल्टियाँ करती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि कोई हड्डी की बीमारी है, बहुत ही दुबली पतली हो गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे हड्डियों में मांस चढ़ाया गया हो, उसे देखने में वैसा ही लगता था। बहुत उल्टियाँ होने के कारण मेरे सीने में बहुत दर्द उठने लगा था और उसकी वजह से मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पाती थी। बिस्तर पकड़ लिया था मैंने, बिना किसी सहारे मैं खड़ी भी नहीं रह पाती थी। उस समय मैं आंखें खोलकर किसी को देख भी नहीं पाती थी। कोई मुझे देखने आता तो उनसे देखकर बात नहीं कर पाती थी मैं।
चार महीनों से हम लोग अस्पताल जा रहे थे। 10 दिनों में एक बार उसे सिर्फ ग्लूकोज ही चढ़ाया जाता था। दवाइयाँ नहीं खाती थी, दवाइयाँ देखकर भी उसे उल्टियाँ आती थी। लगातार उल्टियाँ होती रहती थी। पानी पीना भी मुश्किल था। भूख लगती थी पर खाना नहीं खा पाती थी। खाना खाने के बाद अगर उल्टियाँ हो गई तो उसके बाद करीब करीब 6 से 7 घंटे मेरे सीने में दर्द होता था। दवाइयों का भी असर नहीं होता और उसके वजह से मैं बहुत ही पीड़ा सह रही थी। उस स्थिति में मेरा बचना बहुत मुश्किल था। डॉक्टरों ने कहा कि इसे ट्यूब के सहारे खाना दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स ने भी आशा छोड़ दी थी कि इसके ऊपर इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। इतने दिन बिना खाए जिंदा रही वो बड़ी बात है, ऐसा कह दिया था डॉक्टरों ने। 4 महीनों से बिना खाए पिए मुझे बहुत ही परेशानी हुई। धीरे धीरे सब कुछ मैं भूलती जा रही थी। कुछ भी मुझे याद नहीं रहता था। मैंने अपने माता पिता से यहाँ तक के कह दिया था कि मुझे ये दर्द सहन नहीं होता, मुझे जहर देकर मार दीजिए। वैसी स्थिति थी मेरी। एक समय ऐसा आया कि उसने मुझसे कहा कि माँ, मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ। तभी हमारे पहचान वालों ने हमसे कहा कि नालू मावड़ी में जाकर आप लोग प्रार्थना करवाइए, सब ठीक हो जाएगा। फिर हम लोगों ने पिछले नवम्बर में जाकर नालू मावड़ी में अद्भुत पर्व कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जब हम नालू मावड़ी गए वहाँ पर भी बहुत बुरी स्थिति में ही लेकर गए थे। उल्टियाँ और दर्द के बीच मैं उसे वहाँ तक बस में ले आने में हमें बहुत परेशानी हुई। मोहन अंकल ने मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की और उस समय मैंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की कि अब मेरा जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में है। और तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कंधे पर से एक बोझ उतर गया और एक एहसास हुआ कि मुझे चंगाई मिल चुकी है। अगले ही सुबह मन्ना कैंटीन में जाकर मैंने बेटी को खाना खिलाया, उसने खाया और उससे पहले जो खाते ही वोमिट करती थी, खाने के बीच में ही उल्टियाँ होती थी, उस समय खाना खाने के बाद भी उसने उल्टियाँ नहीं की। कोयम्बतूर घर लौटने तक कोई भी परेशानी नहीं हुई, पानी भी खूब पिया। पहले के दिनों में जब वो स्वस्थ रहती थी उसी समान वो स्वस्थ हो गई। अब 2.5 महीने हो चुके हैं फिर मुझे उल्टियाँ नहीं हुई और बराबर खाना भी खा रही हूँ, पानी भी पी रही हूँ, अब कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया है। हमें बहुत ही खुशी हुई जब वो पैदा हुई थी। उस दिन जो खुशी हमें हुई थी वही खुशी फिर से लौट आई, क्योंकि एक प्रश्न चिन्ह था कि क्या वो बच पाएगी। और निश्चय ही प्रभु परमेश्वर ने मेरी बेटी को एक नया जीवन दान देकर उसे आशीष दिया है। मैं सहारे के लिए अपनी माँ पर निर्भर थी, अब मुझे अपनी माँ पर निर्भर नहीं होना पड़ता। मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। अब मेरी वजह से घर में किसी को कोई परेशानी नहीं होती है और सब लोग बहुत ही खुश है। पहले वो बहुत दुबली पतली हो गई थी और परमेश्वर की कृपा से अब कोई समस्या नहीं है, अच्छी सेहत है, बिल्कुल स्वस्थ है वो। मौत के बिस्तर से उठाकर मुझे चंगाई देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु बड़े चमत्कारिक प्रभु है। क्या आपने कोई ऐसा ईश्वर देखा है जो ऐसे चमत्कार करता है? यीशु अपने लोगों से कितना प्रेम करते हैं। उस युवा बेटी ने देखी कितनी पीड़ा सही, बहुत दुबली पतली हो गई थी। जैसे उसके पिताजी ने बताया कि हड्डियों पर जैसे मांस चढ़ाया जाता है वैसा लगती थी वो। वो गवाही सुनकर मुझे अपनी युवावस्था याद आ गई। मैं जब 14 साल का था तब मैं भी वैसा दुबला पतला था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था जैसे उसे बेटी ने भी बताया ना, 5 महीने तो उसने खाना ही नहीं खाया। दिन में लगभग 40 बार उल्टियां करती थी, कुछ खाना नहीं खाती थी, पानी तक वो ठीक से नहीं पी पाती थी। तो कौन जी पाएगा ऐसे? कोई इलाज भी काम नहीं आ रहा था, सिर्फ मौत का रास्ता बच गया था। तो सोचिए उसके माता पिता को कैसे लगा होगा। मैं भी उसी तरह मौत के बिस्तर पर पड़ा हुआ था, बिल्कुल दुबला पतला, मरने वाला था मैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तभी यीशु मुझे ढूंढ कर आए और मुझे चमत्कारिक चंगाई दी। ठीक उसी तरह इस बेटी को भी देखिए, इस युवावस्था में कितनी पीड़ा उठानी पड़ी, प्रभु ने उसे स्पर्श किया और छुटकारा दिया। आज कितनी खुशियों से भर दिया है उसे। आज वो हमारे बीच में आए हैं, कोयम्बतूर से आए हैं। आपसे प्रभु के चमत्कार के बारे में बताने के लिए हमारे बीच में आ जाए, आइए। आज ये कितने खुश होकर आए हैं देखिए। ओके भाई, आपका नाम क्या है? सेलियन। सेलियन, सेलियन। ओके, आप कोयम्बतूर में रहते हो? हाँ, कोयम्बतूर में। और क्या करते हैं? मैं वालपारे के ईबी में नौकरी करता हूँ। अच्छा, ईबी में नौकरी करते हो। आपकी एक ही बेटी है? और दो बेटे हैं।
अच्छा दो बेटे? हाँ, दो बेटे हैं। वो क्या पढ़ रहे हैं? बड़े बेटे की शादी हो गई है। काम पर जाते हैं वो। अच्छा नौकरी? प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। ओके। और छोटा बेटा केएमसी मेडिकल में नौकरी करता है। और तीसरी बेटी है। ओके जरा इसे माइक देना। मुझे बताओ ये जो उल्टियां की समस्या थी वो कैसे शुरू हुई? मैं उस समय कॉलेज जाती थी और ये अचानक ही उल्टियों की समस्या शुरू हुई, तो फिर डॉक्टरों के पास गए, सब कुछ चेकअप करवाया, उसमें सब नॉर्मल आया। डॉक्टर ने कहा इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, जवाब दे दिया। और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। कुछ समय में मुझे फिट्स की समस्या शुरू हो गई। फिट्स शुरू? हाँ, पानी पीकर भी वॉमिटिंग होती थी, इसीलिए खाना बंद कर दिया। और जब मैंने खाना अवॉइड किया तब बहुत ही दुबली पतली हो गई, कमजोर हो गई, आंखें भी खोल नहीं पाई। अच्छा, आंखें भी नहीं खोल पाती थी। बहुत तकलीफ होती थी। किसी से बात करने का भी मन नहीं होता था, बहुत चिड़चिड़ापन होता था, किसी की बात सुनना अच्छा नहीं लगता था। नवंबर 14 तारीख को बहुत ही हालत खराब हो गई थी। मेरे साथ सिर्फ माँ थी उस समय। फिर मुझे अस्पताल में भर्ती कराया और एडमिट होने के 2 दिन बाद डॉक्टरों ने कह दिया कि ट्यूब के द्वारा ही खाना दे सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, या फिर आप इसे घर लेकर चले जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद पिताजी बहुत विश्वास में थे कि परमेश्वर जरूर चंगाई देंगे। फिर यहाँ नालू मावड़ी आकर हम लोगों ने प्रार्थना में भाग लिया और प्रभु ने चंगाई दी। कब आए थे तुम लोग? नवंबर में आए थे। अच्छा, पिछले नवंबर को। इसी तरह एक अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आप लोग आए हुए थे। ओके ठीक है। और कार्यक्रम के बाद प्रार्थना करवाई? हाँ। तो प्रार्थना के समय क्या हुआ? तब ऐसे लगा जैसे मेरे कंधे से एक बोझ उतर गया। कंधों पर से कोई बोझ निकल गया। हाँ, हल्कापन महसूस हाँ, हुआ। उसी पल से प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दे दी। हमारे प्रभु कितने अद्भुत प्रभु है। देखिए ये बेटी कह रही है कि इसके ऊपर वो सहन नहीं कर पा रही थी। आपने इसके शब्द सुने हैं ना? इसने कहा मुझे जहर देकर मार दीजिए। उतनी पीड़ा सही है इसने, ये खा भी नहीं पाती थी। अगर खाए नहीं तो बल कैसे मिलेगा? लगातार उल्टियां हो रही थी, बहुत ही दर्दनाक। प्रभु यीशु जीवन दाता है। जीवन दाता प्रभु है यीशु। अनहोनी को होनी कर देते हैं वो। डॉक्टरों ने जो कह दिया कि संभव नहीं, उसे यीशु संभव बना देने के लिए चमत्कार करते हैं। बस एक पल का स्पर्श, प्रभु ने स्पर्श किया और सब बदल दिया। तो जब प्रभु के सेवक हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके द्वारा भी चमत्कार करते हैं। यीशु ने क्या कहा था जब प्रभु के सेवकों को उन्होंने आज्ञा दी थी कि मेरे नाम में बीमारों पर जब हाथ रखोगे तब वो लोग चंगाई पाएंगे? ये इंसान के हाथों का नहीं पर यीशु के शब्दों का सामर्थ्य है। मरकुस में उन्होंने वचन दिया है कि तुम लोग बीमारों पर हाथ रखोगे और वो लोग चंगाई पा लेंगे। प्रभु के सेवकों के लिए प्रभु द्वारा एक वाचा का शब्द है, इसलिए हम लोग हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, अन्यथा हमारे हाथों में कोई सामर्थ्य नहीं। हम लोग कोई तंत्र मंत्र के काम नहीं करते हैं, हम हाथ रखते हैं तब यीशु का सामर्थ्य कार्य करता है। यीशु स्पर्श करके चंगाई देते हैं। तो इसमें एक आत्मा ने, दुष्ट आत्मा ने कार्य किया, कमजोर करने वाले शरीर पर प्रबल होने वाली एक आत्मा। जैसे ही उसने इसके कंधों पर से बोझ हटा लिए, इसके हाजमे पर नियंत्रण रखने वाले उस दुष्ट आत्मा ने जैसे ही इसे छोड़ दिया, वैसे ही हाजमे ने सही कार्य करना शुरू किया। आज आपके जीवन में, आपके शरीर में कोई तो एक अंग प्रभावित हुआ है, आपका लंग्स या हृदय या किडनियां या गर्भ या फिर नसें, हड्डियां या फिर जो कुछ भी क्यों ना हो, यीशु के स्पर्श से वो कार्य करना शुरू कर देता है। चमत्कारिक बदलाव। इस परिवार के शोक को प्रभु यीशु ने आनंद में बदल दिया। आपका शोक भी प्रभु आनंद में बदल देंगे। अब तुम बहुत खुश हो। अब क्या पढ़ रही हो? अब फिलहाल कॉलेज तो नहीं है, तो मैं घर पर ही हूँ। फिलहाल घर पर? कंप्यूटर साइंस किया है। बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है। कंप्यूटर साइंस किया है, ओके। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर पूरी किया है इसने। पिछले साल परीक्षा से ठीक पहले कॉलेज लगातार जा रही थी, खाना पीना भी बढ़िया था, और अचानक ही तबीयत खराब होने लग गई। लेटी रहती थी, अस्पताल ले गए। फिर 2-3 अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा बचना मुश्किल है। बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही थी, मेरी तो आशा टूट गई। बच्ची की ऐसी हालत देखकर मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा प्रभु अगर शैतान के जाल में इसकी जान चली गई तो क्या होगा? आपको अगर इसे उठाना है तो इसे स्वर्ग में उठा लीजिए, लेकिन अगर ऐसी हालत में वो मर गई तो निश्चय ही आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और वो समय था शुक्रवार की रात का समय, और इसे इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी
बहुत दर्द बढ़ रहा था। दवाई खाना मुश्किल था, दवाई खाती तो उल्टी करती, पानी नहीं पीती, अगर एक घूंट भी पानी पी लेती तो दिन भर उल्टियां करती रहती। सीने में दर्द उठता था, जैसे दूध का झाग निकलता था वैसे ही उल्टियों में झाग निकलता था इसकी। और ऐसी हालात में तो हम भी खाना नहीं खा पाते थे। लगभग 45 दिन तक हमने भी खाना नहीं खाया। 4 महीने से ज्यादा तो हम लोगों ने राशन की चीज भी नहीं खरीदी। जीवन जैसे शून्य बन गया था। स्थिति ऐसी थी कि मेरे बेटे घर भी नहीं आते, ऑफिस में या बाहर ही रुक जाते थे। वो कहते थे कि हमसे बहन की हालत देखी नहीं जाती, इसलिए हम नहीं आएंगे, आप इसे अस्पताल ले जाइए और खर्चे की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। फिर जब दर्द बढ़ गया तब हमने यहाँ आने का फैसला किया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर आकर प्रार्थना की। यहाँ पर रात में हम लोगों ने इसके लिए प्रार्थना कराई और दूसरी सुबह हम लोग मन्ना कैंटीन में नाश्ता करने गए। खाते वक्त भी हम डर रहे थे क्योंकि हमें 7 घंटे सफर करके कोयम्बटूर जाना था। हम लोग इसी डर में थे कि पता नहीं क्या होगा। पर खाना खाकर यहाँ से जब हम लोग निकले, घर पहुँचने तक कोई वोमिट नहीं हुआ। जो आते समय लगातार उल्टियाँ कर रही थी वो जाते समय बिल्कुल स्वस्थ होकर गई, और फिर आज तक प्रभु ने इसे स्वस्थ रखा है। आमीन आमीन। बहुत खुशी हुई, प्रभु ने आपके शोक को आनंद में बदल दिया है, प्रभु ने आपको आशीष दे दिया है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप इस कार्यक्रम में आशीष बनाए रखें, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू, आमीन। तो आपने देखा प्रभु यीशु कितने चमत्कारिक प्रभु हैं। इनके शोक को आनंद में बदलने के लिए प्रभु यीशु ने चमत्कार किया, और यही यीशु आज आपसे भी बातें कर रहे हैं। वो अभी आपके घर पर हैं, आपके पास में हैं। अगर आप प्रार्थना करो तो आपके लिए चमत्कार करने के लिए वो तैयार हैं। तो आप जब विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो, निश्चय ही प्रभु यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे। प्रभु आज ही करेंगे। तो हम प्रार्थना करने से पहले, विनती करने से पहले, पवित्र शास्त्र में से कुछ वचन के बारे में बताकर उसके बाद अंत में हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। पवित्र शास्त्र में पवित्र लूका रचित समाचार अध्याय क्रमांक 19 पहले 4 वचनों को मैं पढ़ता हूं। यहां बाइबल में यीशु के बारे में बताया गया एक किस्सा है। तो लिखा है, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु कैसे हैं उन्हें मैं देखना चाहता हूं, ऐसे उस इंसान में एक इच्छा जागी। अब वो इंसान यरीहो नगर में बहुत बड़ा धनी था, अमीर आदमी था, एक सरकारी नौकरी पर था, वो चीफ टैक्स कलेक्टर, हम लोग जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर कहते हैं ना, तो ये उस समय का गवर्नमेंट ऑफिसर था। तो अच्छी पदवी थी, काफी पैसे थे, कोई कमी नहीं थी, पर शांति नहीं थी, समाधान नहीं था। प्रभु यीशु के बारे में उसने सुना था कि ऐसे एक व्यक्ति हैं, वो परमेश्वर है और मनुष्य बनकर हमारे बीच में चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बातें सुनकर वो कैसे हैं उन्हें देखना चाहते थे, उनकी ऐसी इच्छा थी। तब यीशु ने उसके सामने अपने आप को प्रकट किया, मैं तुम्हें देखने वाला परमेश्वर हूं और तुम्हारा उद्धार करता हूं, ऐसे अपने आप को प्रकट किया। उनके परिवार के शाप को, पाप को बदलकर उन्हें उद्धार की खुशियों से भर दिया, ऐसा लिखा गया है। तो ये यीशु कैसे इंसान है, इसके बारे में हम लोग लगातार ध्यान करते आ रहे हैं। यीशु किस प्रकार के थे उन्हें जान लिया तो आपके जीवन में चमत्कार को आप लोग पा सकते हो। उनके बारे में हम लोगों ने काफी कुछ देखा। वो हमें देखने वाले परमेश्वर हैं, हमें प्रेम से बुलाने वाले परमेश्वर हैं, वो हमारा उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं, वो सामर्थ्यशाली प्रभु है, इसका भी हमने ध्यान किया। बाइबल में देखिए यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय क्रमांक 9 और वचन क्रमांक 6 में यीशु को जिन नाम से बुलाया गया उसके बारे में लिखा गया है। यहां लिखा है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। तो प्रभु यीशु के बहुत सारे नाम हैं। उनका जो नाम है ये उनका स्वभाव, उनका गुण, उनका सामर्थ्य और उनके पराक्रम प्रकट करता है।
तो यीशु मसीह के कई नामों में से एक नाम का आज हम लोग ध्यान करके फिर प्रार्थना करेंगे। शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस, तो यीशु को ये नाम दिया गया है और वो है शांति का राजकुमार। पवित्र शास्त्र में हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए, जिसने इस संसार की सृष्टि की, उनके कई नाम दिए गए हैं। वो सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु हैं, महान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, ऐसे कई सारे नाम हैं और उनमें से एक नाम है शांति का परमेश्वर, गॉड ऑफ पीस, शांति का परमेश्वर। पवित्र शास्त्र में कई जगहों में वो नाम लिखे गए हैं। फिलिपियों 4:9, रोमियो 15 और 33, 1 थिस्सलुनीकियों 5:23, इन वचनों में शांति का परमेश्वर ऐसा नाम दिया गया है। तो जो परमेश्वर है वो शांति देने वाले शांति के परमेश्वर हैं। उन्हें देख नहीं पाएंगे, उनका कोई रूप नहीं है, वो प्रकाश है, वो ज्योति है, वो अदृश्य परमेश्वर हैं। वैसे एक परमेश्वर मनुष्य के बीच में अपने आप को प्रकट करने और परमेश्वर कैसे हैं ये इंसानों को बताने के लिए, वो अगर अपनी असली ज्योति और प्रकाश में प्रकट होंगे तो मनुष्य उसे सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी महिमा से बाहर एक मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में वो मनुष्य बनकर आए। इसीलिए तो प्रभु यीशु के पास लोग पहुंच पाए थे। तो वो जब एक मनुष्य बनकर इस संसार में आए तभी उन्हें ये नाम दिया गया, शांति का राजकुमार, शांति का परमेश्वर। शांति का राजकुमार बनकर इस संसार में आए, प्रिंस ऑफ पीस, वही है शांति के राजकुमार। जब प्रभु यीशु इस संसार में थे तब अपनी शांति को खोए हुए अनेक लोगों को अपनी शांति प्रदान की और उन्हें आशीष दिया। आज अपने मन को टटोल कर देखें कि क्या आपका मन में शांति है। हम जिसे मन की शांति कहते हैं ना, एक समाधान, क्या आपके मन में वो शांति है? जब हमारे साथ कई लोग होते हैं तो हमें खुशी जैसा कुछ प्रतीत होता है, पर जब रात को अकेले सोने जाओगे तब क्या आपके मन में एक शांति भरी है? जरा जांच कर देखिए। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14:27 में, और इस पूरे संसार में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जिन्होंने ऐसा कहा। देखिए वो कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, आई विल गिव माई पीस अन टू यू, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना डरे, ऐसा यीशु कहते हैं। देखिए संसार में एक शांति मिलती है कब? जब परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थी पास हो जाते हैं तभी खुशी मिलती है। वो एक या दो दिन या एक हफ्ते दो हफ्ते तक रहता है। उसके बाद आगे क्या करें, आगे की तैयारी कैसे करें, आगे क्या पढ़ाई करें, उस चिंता में लग जाते हैं और शांति चली जाती है। बस जब कोई मुनाफा होता है तब हमें एक शांति जैसा अनुभव होता है। वो अनंत काल की शांति नहीं है जो हमारी आंखों को पसंद है। हमें जो अच्छा लगता है उसके अनुसार जब हमारे साथ होता है तब एक शांति, एक खुशी हमारे मन में भर जाती है। वही संसारिक शांति है और वो स्थायी नहीं होती, कुछ देर के लिए होती है बस। इसलिए तो यीशु कहते हैं, जैसी शांति संसार देता है वैसी मैं तुम्हें नहीं देता। प्रभु यीशु हमें जो शांति प्रदान करते हैं वो किसी भी तरह की समस्या, संघर्ष, दुख, बीमारी के बीच हमारे मन में वो शांति बनी रहती है। हमारे आसपास चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमारे जीवन में कितने भी संघर्ष क्यों ना आए, हमारे मन में वो शांति, खुशी, समाधान बना रहता है और वही दैविक शांति है, डिवाइन पीस। और प्रभु यीशु ने इसका वचन दिया तो यीशु ही से हमें दे सकते हैं इसी शांति का वचन, प्रभु हमसे करते हैं। तो क्या आपके मन में शांति है? जरा सोचकर देखिए, अपने मन को टटोल कर देखिए। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम शांति और आनंद में बने रहे। तो कैसे हमारे जीवन में ये शांति प्रभावित होती है? हमारी शांति को प्रभावित करने के लिए कुछ कार्य ऐसे हैं। सबसे पहले मरकुस रचित सुसमाचार 5:34 को जब आप पढ़ोगे, वहां यीशु को ढूंढकर एक स्त्री आती है और वो बेटी अपने जीवन में 12 साल रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित थी। 12 साल वो महिला रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसने कई डॉक्टरों को बताया, इलाज कराया होगा और कई वैद्यों को बताया होगा, बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे पर कोई फायदा नहीं हुआ होगा। उसने पैसे गवा दिए,
डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, शारीरिक बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ, सिर्फ वेदना और वेदना। उस गांव के सभी लोग शायद जानते होंगे कि इसे किस तरह की बीमारी थी। लोगों ने कहा होगा, पता नहीं इसने क्या पाप कर दिया, क्या शाप है। सामने से तो लोगों ने पूछा होगा, कैसी हो, क्या अब तुम ठीक हो? ओ अच्छा, तो वहां उस डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? लेकिन उसके पीठ पीछे पता नहीं उसने क्या पाप किया जिससे उसे बीमारी आ गई। और यही संसार है, जब मिलेंगे तो बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, पर पीठ पीछे दूसरी बातें करते हैं। एक दुष्ट संसार है, लोग भी बड़े दुष्ट हैं। ऐसी बातें सुन सुनकर आप भी निराश हो गए होंगे। पता नहीं इस परिवार में ऐसी क्या बीमारी आ गई, पता नहीं क्या पाप है, क्या श्राप है, लोग ऐसा बोल सकते हैं। इस बेटी ने भी 12 साल वही पीड़ा उठाई, शारीरिक वेदना, मानसिक वेदना। उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया और उसे यीशु के बारे में पता चला। अब वो यीशु के पास आती है। उस बीमारी के बारे में अगर बाहर बताया जाए तो सब लोग उसे अशुद्ध मानेंगे और उसे त्याग देंगे। इसलिए यीशु को कैसे बताऊं? यीशु के आसपास तो कई लोग रहते हैं। रहस्यमय तौर से उन्हें जाकर मैं स्पर्श करूंगी तो मैं चंगाई पा लूंगी। देखिए, यीशु के सामर्थ्य में उसे कितना विश्वास था। यीशु को स्पर्श किया तो मैं चंगे हो जाऊंगी, ऐसा कहती है। तब उस भीड़ में घुसकर उसने जाकर यीशु को स्पर्श किया और उनके वस्त्र को स्पर्श करते ही यीशु के सामर्थ्य ने उस स्त्री में प्रवेश किया और वो तुरंत चंगी हो गई। और उस स्त्री ने अपने शरीर में उस चंगाई को महसूस किया, ऐसा वचन कहता है। तभी यीशु कहते हैं, किसी ने तो मुझे स्पर्श किया है, एक चमत्कार हुआ है, किसने मुझे स्पर्श किया? उसने सोचा कि मैं चुपके से जाऊंगी और अपनी चंगाई पा लूंगी, पर यीशु ने वो जान लिया। तो वो डर कर प्रभु यीशु के पास आती है और इन्हें सब कुछ बताती है। वो डर गई थी कि यीशु कहीं मुझे डांट ना दे, तुमने कैसे मुझे स्पर्श किया, ये गंदी बीमारी है, क्या वो ऐसे मुझे डांटेंगे, ऐसा वो डर रही थी। तब यीशु कहते हैं, बेटी, देखिए यीशु कैसे पुकारते हैं, बेटी तुम दृढ़ रहो, डरो मत, मैं तुम्हारा पिता हूं। एक बेटी अपने पिता को स्पर्श करें तो वो अशुद्ध नहीं हो जाएंगे। मैं सारे अशुद्धता को आशीष में बदलने वाला सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु हूं। तू कुशल से चली जा और अपनी बीमारी से मुक्त रह, ऐसा कहकर प्रभु वहां से लौटाते हैं। अब कोई वेदना नहीं, सब खत्म हो गया। 12 साल की अपमान, निंदा, वेदना सब कुछ चली गई, अब तुम कुशल से जा सकती हो। वही प्रभु यीशु है। उसकी शांति को प्रभावित किया था उस बीमारी ने। प्रभु ने उसे स्थिति को बदलकर उस महिला को शांति से भरकर वहां से लौटाया। हो सकता है कि आज आपके शरीर में भी एक वेदना है, एक बीमारी है जो आपको प्रभावित कर रही है, लगातार आपको परेशान कर रही है। कई सालों से आप इस बीमारी से ग्रस्त हो, एक वेदना है, बहुत पैसे खर्च करके भी, कितने डॉक्टर को बताया, कोई भी फायदा नहीं हुआ, सिर्फ पैसे खर्च हुए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, स्थिति भी बदली नहीं और वेदना बढ़ती गई। दूसरे लोग भी तरह तरह की बातें करते हैं कि आप ऐसी एक कष्टदायक स्थिति में हो। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम डरो मत बेटी, डरो मत बेटे, मैं तुम्हें चंगाई देता हूं। तुम्हारी शांति प्रभावित करने वाली उस बीमारी को बदलकर, आप में खुशी को भरकर लौटाने प्रभु यीशु आपसे बातें कर रहे हैं। आपको सिर्फ विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। प्रभु कहते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ऐसा ही तो प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास। आज आप विश्वास के साथ यीशु को बुलाते हो तो आपके लिए एक चमत्कार होगा। विश्वास प्रभु यीशु की वही अपेक्षा है। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, विश्वास के साथ बुलाओगे तो निश्चय प्रभु यीशु चमत्कार करेंगे। उतने अद्भुत प्रभु हैं वो आपसे प्रेम करते हैं और आपके लिए चमत्कार करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। डरिए मत, विश्वास के साथ आवाज दीजिए, कहिए, यीशु मुझे स्पर्श कीजिए, हे यीशु मेरे बच्चे को स्पर्श कीजिए, यीशु मेरे बेटे को स्पर्श कीजिए, उसे चंगाई दीजिए, तो प्रभु निश्चय चमत्कार करेंगे। और एक किस्सा हम यूहन्ना अध्याय 20 में पढ़ सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 20 और वचन 19 में यीशु को क्रूस पर मार दिया गया और फिर उन्हें दफना दिया गया। यीशु ने कहा था कि मैं मरूंगा, मुझे दफनाया जाएगा और तीसरे दिन मैं फिर से जी उठूंगा। उनका मरकर जी उठना जरूरी था, तभी उनके द्वारा उद्धार होगा, छुटकारा और आशीष मिल सकता था। तब यीशु ने वो बात पहले ही बताई, शिष्य ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए जब प्रभु यीशु मरे, उन्हें दफना दिया गया, तब वो बहुत ही दुखी हो गए।
काफी डर गए वो। हम 3 साल यीशु के साथ थे, अब क्या करेंगे? जिन धार्मिक अगुओं ने प्रभु यीशु को मार दिया वो हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे, ऐसा एक डर था। अब हमारी जीविका कैसे चलेगी? हमने यीशु के पीछे आने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, तो भविष्य को लेकर एक चिंता, मौत का डर। उस डर के कारण शांति खो चुके थे। अब डर आ गया तो शांति नहीं रहेगी ना। किसी कार्य को लेकर आप डर रहे हो, उसकी वजह से अपने शांति को खो दी, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, वो डर लगातार मन में चल रहा है, इसके लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं, क्या होगा भविष्य में, क्या होगा, इस जरूरत को कैसे पूरी करें, बच्चों को विवाह के लिए क्या करूं, अगर इन लोगों ने वैसा किया तो मैं क्या करूं, लोगों के बारे में एक डर, स्थिति को लेकर एक डर, भविष्य को लेकर एक चिंता, क्या अब हम जी पाएंगे, ऐसा एक डर। कुछ लोग तो बेकार में डरते रहते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, डरावने सपने आते हैं, डरावने दृश्य दिखाई देते हैं, मन में डरावने कार्य चलते रहते हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं। आप में से कई वेदना में हो ना। तो देखिए अध्याय 20, अध्याय क्रमांक 20 और वचन 19 में प्रभु यीशु मसीह मौत पर जय पाकर जीवित हो उठे। अब शिष्य इसे समझ नहीं पाए, वो डरे थे और डर के मारे एक घर में कमरा बंद करके बैठे हुए थे। तभी यीशु उनके बीच में आकर खड़े हुए। देखिए वचन में लिखा हुआ है कि तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, मेरे बच्चों तुम्हें शांति मिले। क्या तुम डरे हुए हो? क्या भविष्य को लेकर चिंता है? क्या लोगों को लेकर चिंता है? कल क्या होगा ऐसा सोचकर डर रहे हो? मैं अभी जीवित हूं, मैं कोई मरा हुआ परमेश्वर नहीं, मैं मुर्दों में से जी उठने वाला जिंदा प्रभु हूं, मरकर भी जीने वाला प्रभु, इसीलिए कहता हूं तुम्हें शांति मिले। तुरंत शिष्यों में खुशी भर गई और डर पूरी तरह से मिट गया और उनके मन में एक खुशी भर गई थी। और वचन कहता है कि तब चेले आनंदित हुए। आज आप किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हो, डरे हुए हो और डर और गड़बड़ी उसी के लिए आप सो नहीं पा रहे हो, खाना नहीं खा पा रहे हो, शांत नहीं हो, मन में गड़बड़ी है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जीवित परमेश्वर हूं, मरकर भी जीवित रहने वाला प्रभु, मैं कहता हूं तुम्हें शांति मिले। मेरे बच्चों डर दूर हो जाएगा, आपको डराने वाली स्थितियां बदल जाएंगी, उसके लिए प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे, इसलिए प्रभु यीशु आए हैं। कई बार उस डर के पीछे डराने वाली एक दुष्ट आत्मा का साया होता है। शैतान ही डरा कर लोगों को अपना दास बना लेता है। डर की आत्मा बुरे सपने दिखाकर मन में डर लाता है, स्थितियों को दिखाकर मन में डर लेकर आता है। कुछ लोग तो कहते हैं पता नहीं क्या कारण है लेकिन मन में डर है। एक बेटी प्रार्थना करवाने के लिए आई थी, उसने कहा अंकल कुछ कारण पता नहीं चल रहा लेकिन फिर भी मन में डर है, एक डर, वो दुष्ट आत्मा का कार्य है, डराने वाली आत्मा। तो हो सकता है वैसी एक दुष्ट आत्मा आपको डरा रही हो, किसी को बात करने की आवाज आती है, मन में डर लगता है, मन में से कई बात करता है, बहुत ही डर लगता है। दुष्ट शैतान कई तरीकों से डराकर लोगों को वेदना पहुंचाता है, इसलिए यीशु कहते हैं तुम डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम मत डरना। पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु अक्सर कहते हैं कि मत डर, हमेशा वो बात बोलते हैं वो। और क्यों? शैतान हमेशा स्तर को लेकर आकर लोगों को दास बनाता है और उनके जीवन को नरक की ओर ले जाता है, यही उसकी योजना है। उसकी योजना को नाश करने वाले प्रभु यीशु मसीह जो जीवित हुए, वो कहते हैं मत डर। ये डर कब निकलेगा? जब यीशु मन में आएंगे तो ये डर निकल जाएगा। अपने डर को निकालने का एक ही तरीका है, अपने जीवन में अगर प्रभु यीशु को आप स्थान देते हो, अपने मन में उन्हें जगह देते हो, तो डर चला जाएगा। वही है जो डर को बदलने वाले प्रभु हैं। आज अपने दिल में उन्हें जगह दीजिए, आपका डर निकल जाएगा, वो डर निकल कर दूर भाग जाएगा। कोई तो एक कार्य आपको डरा रहा है, आप निराश हो, पता नहीं आगे क्या होगा, ऐसा एक डर है मन में। प्रभु यीशु इस डर से आपको पूर्ण छुटकारा देना चाहते हैं, और आज ही। इसीलिए तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। डर निकल जाए तो मन में शांति भर जाएगी, खुशियां और आनंद भर जाएगा, और इसलिए प्रभु आज आपसे बातें करते हैं। पवित्र शास्त्र में हम और एक किस्सा देख सकते हैं जो डर का प्रमुख कारण है, जिसे पहले ही वो बीमारी, दूसरा है वो डर जो हमारी शांति को प्रभावित करती है, और जो तीसरी बात है पवित्र लूका रचित सुसमाचार में अध्याय 7 में एक स्त्री यीशु को ढूंढ कर आती है
यीशु के चरणों पर आकर वो आंसू बहाकर रोई, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। लूका अध्याय 7 और वचन 36 से आगे जब आप पढ़ोगे तो वहां हम देखते हैं कि वो प्रभु के चरणों पर आकर रोती है, उसके आंसू यीशु के पांव में छलकते हैं। वो क्यों यीशु को ढूंढ कर आई थी? बीमार तो आए थे, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग आए थे, पर वो स्त्री जाकर प्रभु यीशु के चरणों पर क्यों रो रही? चेले देख रहे थे, क्यों वो स्त्री आकर रो रही है? यीशु किसी के घर में दावत पर गए थे, दावत देने वाला वो व्यक्ति भी देख रहा था कि ये तो एक पापिनी स्त्री है। यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि एक व्यभिचारिणी स्त्री है, यहाँ तक कि इसने कईयों का जीवन भी बर्बाद किया है। ये मेरे घर पर क्यों आई है? क्यों इसने जाकर प्रभु की यीशु के चरणों को स्पर्श किया? इसके तो औकात भी नहीं है उन्हें स्पर्श करने की, ऐसा वो व्यक्ति विचार कर रहे हैं। पर वो स्त्री रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। आंसू से यीशु के चरणों को धोती है। इंसान जिस दृष्टि से देखता है प्रभु उसे दृष्टि से नहीं देखते। मनुष्य चेहरा देखते हैं पर प्रभु मन को देखते हैं, उसके टूटे मन को देखते हैं। प्रभु उसकी आंखों के आंसू देखते हैं। जब प्रभु उसे देखते हैं कि वो अपने पापों का एहसास करके रो रही है, तो प्रभु यीशु ने जान लिया कि उसे किस आशीष की जरूरत है। प्रभु यीशु ने कहा, बेटी तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तू कुशल से जा। 48 से 50 के बीच के वचनों में कहा गया है कि तेरे पाप क्षमा हुए, तू कुशल से जा। तुम इसीलिए रो रही थी ना कि मेरे पापों ने मुझे प्रभावित किया है, मेरे पापों के कारण मुझमें शांति नहीं है, मुझे पापों की क्षमा चाहिए, मुझे शांति की जरूरत है, इसलिए तुम रो रही थी ना। तो तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, तू शांति के साथ जा। अब दुनिया कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बेटी हो। देखिए प्रभु मन कैसा परिवर्तित करते हैं। पाप में डूबी हुई एक बेटी को उस पाप से क्षमा करके पवित्र बनाकर अपनी बेटी बनाकर प्रभु वहां उसे खड़ा करते हैं शांति। क्या आपके पापों के कारण आपकी शांति प्रभावित हुई है? पाप के लिए क्या प्रायश्चित है? यहां जाना है, वहां जाना है, आपके शरीर को पीड़ा देनी है, पैसे देने हैं, वो सब करके आपको पाप की क्षमा बिल्कुल नहीं मिलेगी। कई गलत धारणाओं के चलते पाप की क्षमा नहीं पाने के कारण कई लोग आज दुविधा में हैं। पाप का एहसास करके मन फिराकर पाप की क्षमा करने वाले प्रभु के पास आओगे, तभी पाप की क्षमा और शांति को आप पा सकोगे। आज वही यीशु आपको ढूंढ कर आए हैं। शांति के राजकुमार यीशु आज आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा करके तुम्हें शांति प्रदान कर सकता हूं। देखिए कन्याकुमारी क्षेत्र में नागरकोइल नगर है। वहां नागरकोइल नगर में एक परिवार है। वहां एक भाई है जो नौकरी पर जाते थे, कमाते थे और अपने परिवार का ख्याल रखते। घर पर उनकी पत्नी और 2-3 छोटे बच्चे थे और वो शराब के नशे के आदि थे। अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीना शुरू किया और शराब पी पी कर सारे पैसे उड़ा देते थे। घर पर आते तो पत्नी पूछती थी कि शराब में पैसे उड़ा देंगे तो घर कैसे चलेगा, तो वो अपनी पत्नी को पीटते थे। वो कहते थे, तुम ज्यादा मत बोलो, मैं कमाता हूं तो मैं जरूर पी सकता हूं, तो फिर घर कैसे चलेगा। तो वो अपनी पत्नी बच्चों को बहुत ही पीटते थे। बच्चे भागकर घर के बाहर चले जाते। उनकी पत्नी ने बहुत इंतजार किया, फिर सोचा कि कितना अत्याचार और सहूं, और कब तक मैं इस व्यक्ति के साथ जीवन बिताऊंगी। परिवार का ख्याल नहीं रखते थे, पीटते भी थे, इनके साथ मैं अपना जीवन कैसे बिताऊं। तो उन्होंने अपने साथ साथ अपने बच्चों को ले लिया और अपनी मायके चली गई। अब वो भाई और खुश हो गए, अब तो उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था, अपनी मर्जी जीवन जी सकते थे। अब देखिए वो बीमार पड़ गए। किसी पाप के कारण उनके शरीर में एक बीमारी आ गई। वो डॉक्टर के पास गए, पैसे खर्च किए, पर बीमारी ज्यादा बढ़ती गई। अब नौकरी पर नहीं जा पा रहे थे, एक और शराब और एक और बीमारी, इसलिए वो नौकरी पर नहीं जा पाते। अब काम नहीं किया तो पैसे कैसे मिलेंगे। जब जब वो काम पर जा पाते उतनी ही तनख्वाह मिलती थी। पैसों की घटी होने लगी और मानसिक रूप से प्रभावित हो गए। परिवार साथ में नहीं था, उनका स्वास्थ्य बिगड़ चुका था, शांति को खो दिया था, नौकरी खो दी उन्होंने, फिर बाद में उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। सब कुछ खो दिया, कुछ ना रहा उनके पास। पाप एक इंसान के जीवन में सिर्फ नाश को लेकर आता है। अब वो भाई देखिए पाप के कारण अपने परिवार को खो दिया, अपने स्वास्थ्य को खो दिया, अपनी नौकरी खो दी, और क्या कर सकते हैं।
एक दिन, एक शनिवार का दिन था, वो अपने घर पर जब दुखी अवस्था में बैठे थे तब सोचने लगे, मैंने तो सब कुछ खो दिया, अब आगे मैं क्या करूंगा। मैंने अपने जीवन में इतना पाप कर दिया, मेरी पत्नी को मैं अक्सर पीटता था, पत्नी चली गई, बच्चे भी चले गए, अब और मेरे जीवन में क्या रह गया है, अब मैं क्या करूं, मेरी कौन रक्षा करेगा, सब कुछ खो दिया है मैंने। ऐसा अकेले उस घर पर सुबह के समय में जब बैठे थे तब उस समय एक आवाज उन्हें सुनाई दी, स्वर्ग के फाटक को जा, ऐसा उन्हें सुनाई दिया, स्वर्ग के फाटक पर जा, ऐसी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। अब देखिए, परमेश्वर जो है पापियों से प्रेम करते हैं और ऐसे पापियों को पाप से छुड़ाना चाहते हैं। तब प्रभु ने उनसे बातें की और वो आवाज सुनाई देते ही वो सोचने लगे कि स्वर्ग का फाटक क्या है। उनकी कुछ समझ में नहीं आया, वो सोच में पड़ गए थे कि स्वर्ग का फाटक क्या है। वहां पर जाने के लिए एक आवाज सुनाई दे रही थी, मुझे उसके बारे में नहीं पता। तो उनके पड़ोस में ही उनके एक रिश्तेदार थे जो इनके परिवार के बारे में अच्छे से जानते थे। तो उस समय वो उस रिश्तेदार के पास चले गए। तब उनके रिश्तेदार गांव जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वहां उनके रिश्तेदार जो हैं उनके परिवार के साथ जा रहे थे। तब जब ये वहां पहुंचे तब उन्होंने उनसे पूछा कि स्वर्ग के फाटक का क्या मतलब होता है, और उन्होंने पूछा कि ये तुम क्यों पूछ रहे हो। तब उन्होंने कहा कि देखो, मैंने सब कुछ खो दिया, आज सुबह इसी वेदना में जब मैं बैठा हुआ था तब मुझे एक आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने कहा कि स्वर्ग के फाटक पर जाओ, इसलिए मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं, क्या ऐसी भी कोई जगह है। तब देखिए वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने कहा कि हम वही जा रहे हैं, आप ही हमारे साथ चलिए, ऐसा उन्होंने बुलाया। क्या आप वही जा रहे हो? वो वहां पर है, बाइबल में स्वर्ग के फाटक के बारे में लिखा हुआ है। नालू मावड़ी में एक प्रार्थना का भवन है, वहां पर स्वर्ग का फाटक लिखा हुआ होता है। वहां पर 3 दिन का एक शिविर का आयोजन हुआ है, वहीं पर हम लोग जा रहे हैं, क्या आप चलोगे हमारे साथ? तो क्या इसीलिए मुझे वो आवाज सुनाई दी? मतलब प्रभु मुझसे आज भी प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो मैं जरूर आऊंगा। और वो उनके साथ चले गए। 3 दिन का शिविर, 3 दिन। पहले दिन मैं प्रभु ने उन्हें उनके पापों का एहसास दिलाया, तुम्हारे पाप के कारण ही तुम प्रभावित हुए, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, सब लोग प्रभावित हुए, अब अपने पाप को छोड़कर मन फिरा लो। पहले दिन आंसुओं के साथ उन्होंने अपने आप को अर्पण किया, कहा यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मैं आज तक पाप करता आया हूं, ऐसा उन्होंने मन फिराकर अर्पण किया। पाप से छुटकारा मिल गया उन्हें, पाप से क्षमा और पाप से छुटकारा, अब एक बहुत बड़ी खुशी आ गई। अब शराब पीने की इच्छा नहीं होती, शराब का विचार तक नहीं आता, तो मन में खुशी भर गई। दूसरे दिन उन्होंने प्रार्थना की कि ये जो बीमारी है उसके कारण नौकरी पर नहीं जा पा रहा हूं, बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे चंगाई दीजिए। तो प्रभु ने दूसरे ही दिन उन्हें स्पर्श किया और चंगाई दे दी। तीसरे दिन नाके की प्रार्थना थी, उन्होंने कहा आपने मुझे पापों से छुटकारा दिया, मेरी बीमारी से मुझे चंगा किया, मेरा परिवार मुझसे अलग हो गया, मेरे कारण ही मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए, मेरे परिवार मुझे लौटा दीजिए, मेरी नौकरी मुझे लौटा दीजिए, ऐसी उन्होंने प्रार्थना की। शिविर खत्म होकर जब वे घर लौटे तो घर पर उनकी पत्नी और बच्चे मौजूद थे, प्रभु ने वहां लेकर आ गए, वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने सोचा कितने आश्चर्यजनक हैं ये प्रभु हमारे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से माफी मांगी, कहा कि मैंने पाप किया पर अब मन भरा लिया है, प्रभु ने मुझे क्षमा किया। और फिर जो नौकरी गवा दी थी वो फिर मिल गई उन्हें, आज अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश है वो, कितनी खुशी की बात है। देखिए उन्होंने जब मुझसे यह आकर बताया मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, सोच से भी परे कार्य प्रभु परमेश्वर करते हैं, एक प्राण के उद्धार के लिए प्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं, फिर चाहे एक इंसान पाप करके सब कुछ खो क्यों ना दे, प्रभु उनसे प्रेम करते हैं और कहते हैं बेटे तुम मेरे पास आओ, इस प्रार्थना में आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तो प्रभु ने उन्हें बुलाया और उनके लिए 3 चमत्कार किए, पाप से छुटकारा दे दिया, बीमारी से चंगाई, जिन आशीषों को उन्होंने खो दिया था उन्हें फिर से लौटा दिया। तो आज पाप के कारण आपने शांति भी खो दी होगी, समाधान को खो दिया होगा, पारिवारिक खुशियों को आपने खो दिया। प्रभु यीशु आपसे बातें करते हैं, तुम मन फिराओ, अपने पाप से मन फिरा दो, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, छुटकारा देने के लिए तैयार हूं, ऐसा प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं। किसी को भी पापी मानकर वो अपने से दूर नहीं कर देते, यीशु पापियों के मित्र हैं,
यीशु कैसे हमारे पापों की क्षमा कर पाते हैं और एक इंसान को जीवन को परिवर्तित कर पाते हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि वही पाप के प्रायश्चित है। यशया 53 के 5वें वचन में लिखा हुआ है कि यीशु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया और वो हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। उन्होंने क्रूस पर अपने आप को अर्पण कर दिया था आपके लिए और मेरे लिए। पाप का दंड तो हमें ही मिलना चाहिए था, पर हमारे दंड को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। हमको मिलने वाले दंड को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर मरने के लिए अर्पण कर दिया। उन्हें कुचला गया, अपमानित किया गया, आखिरी कतरा खून तक बहा दिया। इसलिए तो प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। जब आप कहते हो यीशु मुझे क्षमा कर दीजिए, तब एक अदृश्य चमत्कार हो जाता है। उनके लहू का सामर्थ्य हमारे हृदय को धोकर शुद्ध कर देता है। पाप का वो बोझ निकल जाता है, पाप की वो वेदना निकल जाती है, एक खुशी हमारे पूरे हृदय में भर जाती है। प्रभु यीशु मसीह का लहू। कुलुसियों 1:20 कहता है, यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप कराया। हमें शांति प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने अनमोल लहू को बहा दिया, अपने आप को बलि के रूप में दे दिया। वो ही प्रायश्चित है, इसलिए हमें उन पर विश्वास करना है। कहना है, यीशु मुझे क्षमा कीजिए, छुटकारा दीजिए, चंगाई कीजिए, आशीष दीजिए। ऐसी प्रार्थना करेंगे तो इस शांति को प्रभावित करने वाले हर एक कार्य को बदलकर हमारे अंदर एक दैवीय शांति भर देंगे, एक खुशी आनंद सदा हमारे हृदय में बसी हो, ऐसी स्थिति लाएंगे। आज आपको भी शांति की जरूरत है। क्या आपको शांति चाहिए? यीशु आज आपको वो देंगे। पैसे खर्च करने नहीं है, अपने आप को दुख नहीं देना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, नालू मावड़ी तक चलकर आने की जरूरत नहीं है। यहां पर आकर आपको घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी आप अपने यहां घर पर बैठकर कहिए, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, आपने मेरे लिए क्रूस पर जो इतनी पीड़ा उठाई इस पर मैं विश्वास करता हूं, मेरे अंतर मन में आइए, मेरे पापों को क्षमा करके मुझे शांति दीजिए, मेरी बीमारी को दूर कर दीजिए, मेरे परिवार में कर्ज की समस्या को दूर कर दीजिए, मेरे परिवार में एक बच्चे का आशीष दीजिए, मुझे ये आशीष प्रदान कीजिए। ऐसा आप मांगेंगे तो वो देने के लिए प्रभु यीशु तैयार हैं। अभी अभी अभी, इसीलिए क्रूस पर उन्होंने अपने आप को दे दिया। उनकी ओर आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु की उपस्थिति में हम घुटने टेक लेंगे, जिनसे हो सके वो घुटनों पर आ जाइए। प्रभु यीशु के चरणों में घुटनों को टिकाकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु की उपस्थिति में जिनसे हो सके वे घुटने टेक लीजिए, और परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेक कर आज हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप कहेंगे कि मुझे घुटने टेकने की आदत नहीं है, क्या मैं बैठकर प्रार्थना कर सकता हूं, तो कोई बात नहीं, प्रभु यीशु आपको समझ सकते हैं। अगर आप अपने घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं कर पाएंगे तो नीचे बैठ जाइए और आंखें बंद कर दीजिए। अपने मन में यीशु को लाइए और प्रार्थना करें, वही सबसे जरूरी है। एक मन के साथ यीशु को स्मरण कीजिए, मन की गहराई के साथ प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। इस समय वो यीशु आपके घर में आपके पास खड़े हैं, आप में से हर एक को शांति प्रदान करने के लिए। शांति के राजकुमार यीशु वो शांति प्रदान करने के लिए आपके घर में आए हैं। अगर आप उन्हें स्वीकार करते हो तो आपके जीवन में शांति, परिवार में शांति, और वो शांति आपके जीवन में पूरी तरह से भरी होंगी। वो शांति के राजकुमार है जिन्होंने आपके लिए अपनी जान दी और फिर जी उठे। कहिए, यीशु मुझे इस शांति की जरूरत है, मेरे मन में शांति की जरूरत है, जीवन में शांति नहीं है, समाधान नहीं है, और मैं इस पाप को भी छोड़ नहीं पा रहा हूं, इस शराब के नशे को छोड़ नहीं पा रहा हूं, नशीली चीजों का सेवन करना नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं अपने स्वभाव को नहीं बदल पा रहा हूं। प्रभु मैं जानता हूं ये पाप है, लेकिन मैं वही करते जा रहा हूं, मुझसे नहीं हो रहा ये। हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मेरे पापों से मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे शांति प्रदान कीजिए। आंसुओं के साथ मांगिए, एक टूटे मन के साथ प्रार्थना करें। यीशु पापियों के मित्र हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम्हारे लिए मैंने क्रूस पर अपनी जान दी, तुम्हारे सभी पापों को मैंने क्रूस पर उठा लिया है, सिर्फ तुम्हें शांति प्रदान करने के लिए, तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए मैंने क्रूस पर अपना लहू बहा दिया, तुम्हें मैं शांति दूंगा। ऐसा कहते हुए वो आपके पास में आकर खड़े हुए हैं। आप कहिए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे शांति प्रदान कीजिए, मेरे पापों से धोकर मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे पापों से छुटकारा चाहिए। ऐसा बोलिए,
ऐसा कहने वाले अब दाहिने हाथ को हृदय पर रखिए और यीशु से प्रार्थना कीजिए, कहिए, यीशु मेरे मन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे पापों की क्षमा चाहिए, मुझे शांति की जरूरत है प्रभु, इन पापों से मुझे छुटकारा चाहिए। प्रभु यीशु नाम को लेकर आप बुलाइए। आपके पति, आपके बच्चे अगर पाप के बंधन में फंस चुके हैं, उन पर अपने हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, कहिए, यीशु मेरे पति को छुटकारा दीजिए, मेरे पति को छुटकारा दीजिए, मेरे बेटे को छुटकारा दीजिए, मेरी बेटी को छुटकारा दीजिए, इस पाप से छुटकारा दीजिए, हे यीशु इन्हें नया हृदय दीजिए। आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए, आंसुओं के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु देख रहे हैं कि कई लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, कई लोगों के आंखों में आंसू हैं, प्रभु यीशु उसे देख रहे हैं, प्रभु यीशु आपके आंसुओं को देख रहे हैं। जब उस स्त्री आकर प्रभु के चरणों में गिर कर रो रही थी, तब प्रभु ने कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, अब कुशल से जा। ऐसा कहकर आशीष देने वाले वही प्रभु यीशु आज आपके पास आए हैं, कह रहे हैं, बेटी तेरे पापों को मैं क्षमा करता हूँ, बेटे तेरे पापों को मैं क्षमा करता हूँ, हे प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए। ऐसी प्रार्थना करने वालों के पाप क्षमा हो रहे हैं। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है, उनका लहू हमें धोता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारे पापों से छुटकारा देता है, पाप के बंधन इस समय तोड़े जा रहे हैं। आप लोग प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मेरे मन में आइए, हे प्रभु अपने लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, हे प्रभु यीशु मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे शांति और समाधान प्रदान कीजिए, मेरे जीवन में बिल्कुल भी शांति नहीं है, कोई राहत नहीं है, सब लोगों ने मुझे त्याग दिया है, मुझे पापी कहकर बुलाते हैं, वो मेरा पूरा परिवार मेरा अपमान करता है, प्रभु यीशु उन्हें बुलाइए। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया है, बेटी के रूप में स्वीकार किया है। प्रभु यीशु आपके पास में है। अपने अपराध छुपाने वाला सफल नहीं होता, पर जो उसे मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी, ऐसा प्रभु ने कहा है, इसलिए उसे मानकर छोड़ दीजिए। प्रभु यीशु क्षमा कीजिए, प्रभु यीशु आपके लहू से धोकर हमें शुद्ध कर दीजिए। कई लोगों के हृदय उनके लहू से धोकर शुद्ध किए जा रहे हैं, आपका हृदय शुद्ध हो रहा है, कई लोगों के ऊपर प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है, पाप के बंधन तोड़े जा रहे हैं, सारे बंधन टूट रहे हैं, शराब पीने की इच्छा लेकर आने वाली दुष्ट आत्माएं दूर हो रही हैं, प्रभु यीशु के नाम में नशीली चीजों की आदि बनाने वाली आत्माएं इस समय दूर हो रही है यीशु के नाम में, आंखों की अभिलाषा शारीरिक अभिलाषा के अधीन करने वाली आत्माएं दूर हो रही है यीशु के नाम में, पाप लेकर आने वाले अशुद्ध आत्माएं दूर होती हैं प्रभु यीशु के नाम में। अब आपको छुटकारा मिलता है, प्रभु के लहू का सामर्थ्य उतर रहा है, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, अब छुटकारा हो रहा है, पाप का बंधन तोड़ा जा रहा है, मन में पाप की क्षमा हो रही है, खुशी और आनंद मन में भर रहा है इस समय। आप लोग बोलिए, प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपने क्षमा किया है उसके लिए आपकी स्तुति हो, मेरे हृदय को धोकर शुद्ध किया उसके लिए स्तुति हो, प्रभु आप मेरे मन में आए हो इसलिए आपकी स्तुति हो। स्तुति 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 कीजिए, प्रभु यीशु का नाम लेकर कहिए, प्रभु आपकी स्तुति हो। इस समय प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है और कई लोगों के जीवन में बंधन तोड़े जाते हैं, शराब का लत लेकर आने वाली दुष्ट आत्माएं इस समय कई लोगों में से निकल रही है यीशु के नाम में, और आप लोगों को छुटकारा मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है। व्यभिचार की दुष्ट आत्मा कई लोगों में से बाहर निकल रही है, व्यभिचार की आत्मा बुरी इच्छा लेकर आने वाली आत्माएं दूर होती है यीशु के नाम में, पाप का दास बनाने वाली दुष्ट आत्माएं दूर हो रही है प्रभु यीशु के नाम में, अहंकार और चिड़चिड़ेपन की आत्माएं आप में से दूर हो रही हैं, आपके मन में एक छुटकारा मिल रहा है, शांति मिल रही है प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के लहू के सामर्थ्य से अपना मुंह खोल कर कहिए, प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आपने मुझे धोकर शुद्ध किया है उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु, हे परमेश्वर प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। कई लोगों को दुष्ट आत्माएं नीचे धकेल कर जाते देख पा रहा हूं मैं, आप लोग डरिए मत, चिंता मत कीजिए, वो दुष्ट आत्माएं हैं, पाप को लेकर आने वाली आत्माएं इस समय दूर हो रही है, छुटकारा हो रहा है, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, उनका धन्यवाद हो। हे प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। इस समय जो बीमारी से चंगाई पाना चाहते हैं वो लोग अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रखिए, आंखों में चंगाई चाहिए तो आंखों पर हाथ रखिए, हृदय में अगर चंगाई चाहिए तो हृदय पर हाथ रख लीजिए,
जिस स्थान पर वेदना या पीड़ा है वहां पर हाथ रख लीजिए। जहां पर भी गांठ है, कैंसर का गांठ, टीबी का गांठ या थायराइड का गांठ, वहां पर अपने हाथ रख लीजिए। जहां कहीं पर भी दर्द है, हड्डियों में, हाथों में, पैरों में, अपने हाथ रख दीजिए। कोई बिस्तर पर बीमार है तो अपने हाथ रख दीजिए। ऐसे लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए आप प्रार्थना कीजिए। अगर कोई अस्पताल में है तो उन पर अपने हाथ रख दीजिए। प्रभु यीशु का नाम लीजिए। प्रभु यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा हो जाए। हे यीशु चंगाई दीजिए, शांति दीजिए, ये मौत का बंधन टूट जाए। हे यीशु ऐसा बोलिए, यीशु का नाम लीजिए। हे प्रभु यीशु स्पर्श कीजिए। हे प्रभु यीशु छुटकारा दीजिए। जैसे जैसे आप बोल रहे हो प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है। प्रभु का सामर्थ्य, अब प्रभु का सामर्थ्य आपको स्पर्श करता है। मैं देख पा रहा हूँ कि कई लोगों पर प्रभु यीशु का सामर्थ्य उतर रहा है। वचन कहता है कि प्रभु की ओर से सामर्थ्य निकलकर सभी लोगों को चंगा करता है और वो वचन इस समय कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु में से सामर्थ्य निकला और उसने हर एक को चंगा कर दिया है। आज परमेश्वर के वचनों की पूर्ति होती है। प्रभु यीशु का सामर्थ्य इस समय आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। अस्पतालों में जिसने मौत का बिस्तर पकड़ लिया है उन पर वो सामर्थ्य उतर रहा है। परिवारों के ऊपर जो मौत का बंधन है वो टूट रहा है। बीमारी का सामर्थ्य तोड़ा जा रहा है। इस समय दुष्ट बीमारियां दूर हो रही हैं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आप हर एक को स्पर्श कीजिए। हर एक को, हर एक बीमारियां प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। दुष्ट कैंसर की बीमारी दूर हो जाए। इसी समय कैंसर की गांठ दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु वो सारे गांठ को निकाल दीजिए। कई लोग अपने बच्चों के लिए, उनके ब्लड कैंसर से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन बच्चों को स्पर्श कीजिए प्रभु। ब्लड कैंसर दूर हो जाए। आपके लहू का सामर्थ्य बच्चों के ऊपर उतर आ जाए। और इस समय प्रभु यीशु के नाम में ब्लड कैंसर से जूझ रहे जो बच्चे हैं उन सभी में चंगाई हो जाए। हे प्रभु इन लोगों को आप स्पर्श करें। लहू का सामर्थ्य इन बच्चों पर उतर आए। पूर्ण छुटकारा हो जाए। स्पर्श कीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए। मौत का बंधन बदल जाए। जो चल नहीं पाते वो चलने फिरने लग जाए यीशु के नाम में। लकवे का रोग दूर हो जाए। आर्थराइटिस दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। लकवे का रोग दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। लकवे से पूर्ण छुटकारा हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। बीमारी लेकर आने वाले दुष्ट बंधन दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हर एक को छुटकारा, हर एक परिवार में चमत्कार हो जाए परमेश्वर। हर एक घर में चमत्कार हो जाए प्रभु। आप इन लोगों के घरों में अपना सामर्थ्य प्रकट कीजिए प्रभु। आपका प्रकाश छा जाए प्रभु। इन लोगों के लिए रास्ते तैयार कीजिए। शाप को बदलकर इन्हें आशीष दीजिए। गरीबी दूर हो जाए। कर्ज की समस्या दूर हो जाए। रुकावटें दूर हो जाए। नौकरी के लिए नए रास्ते खुल जाए। जिन बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, एग्जाम लिखने वाले बच्चों पर आशीष के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हर एक बच्चों को, हर एक विद्यार्थी को आप आशीष दीजिए परमेश्वर। इनकी परीक्षाओं में उन्हें बहुत बड़ी सफलताएं पा लेने के लिए और मन से डर निकल जाने के लिए, सफलता पा लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। आप आशीष दीजिए। कमजोरियां दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आपने स्पर्श किया है इसलिए आपका धन्यवाद। साइनस बीमारी से प्रभावित लोग चंगाई पाले प्रभु यीशु के नाम में। अल्सर की बीमारी प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। इसी समय अल्सर की बीमारी दूर हो जाए। जो लोग पाइल्स की समस्या से जूझ रहे हैं, तकलीफ में हैं, वेदना में हैं, उन बच्चों को स्पर्श कीजिए प्रभु यीशु के नाम में। ये पाइल्स की बीमारी दूर हो जाए। सर से लेकर पाव तक सामर्थ्य उतर आए। बहरेपन की आत्मा को डांटता है प्रभु यीशु के नाम में। सभी बहरे कान खुल जाए, अंधी आंखें खुल जाए यीशु के नाम में। हर एक के जीवन में चमत्कार हो जाए। हर एक परिवार में चमत्कार हो जाए। रुकी हुई भलाइयों के लिए दरवाजे खुल जाए। विवाह संबंधी कार्य सफल हो जाए और आशीषित जीवन प्रदान कीजिए प्रभु। नौकरी के लिए नए रास्ते खोलकर आशीष प्रदान कीजिए। बिजनेस के कार्यों को आशीष दीजिए। सेवकाई करने वाले बच्चों पर आशीष बने रहे। सेवकाई से जुड़ी सारी समस्याएं बदल जाए, रुकावट दूर हो जाए। सेवकाई के कार्य सफल हो जाए। सेवकाई के कार्यों में आशीष बना रहे और निरंतर उन्नति होती रहे। हर एक सेवकों का सामर्थ्यशाली रूप से उपयोग कीजिए। उन लोगों के द्वारा आपका सामर्थ्य प्रकट हो, सामर्थ्य प्रकट हो, आपका सामर्थ्य प्रकट हो। प्रभु सामर्थ्यशाली रूप से इनका उपयोग कीजिए। इन्हें आशीष देकर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, आपकी स्तुति हो। सब दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे।
दाहिना हाथ उठाकर कहिए, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपने चमत्कार किया है, छुटकारा दे दिया है, शांति प्रदान की है आपने, दुष्ट बंधन टूट चुके हैं, बीमारियां दूर हो गई हैं, शाप दूर हो चुके हैं, शैतान का दुष्ट बंधन तोड़ दिया गया, छुटकारे के लिए धन्यवाद। अपना मुंह खोलकर मन की गहराई से प्रभु की स्तुति कीजिए। हे प्रभु आपकी स्तुति हो, हे प्रभु आपका धन्यवाद, मन की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति हो। कहिए, परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं। अपने मुंह खोलकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, आपका धन्यवाद प्रभु, आपके दिए आशीष और छुटकारे के लिए धन्यवाद। हर एक को आपने स्पर्श किया है इसलिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु आपने जो छुटकारा दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। हर एक परिवारों में आपने चमत्कार किया है, मन की गहराई से आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमेन आमेन। सब बैठ जाएंगे। कुछ देर के लिए मैं आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ। प्रभु ने चमत्कार कर दिया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं और विनतियों से भी अधिक सामर्थ्य कार्य करते हैं। आज मैं अपनी आत्मा में ये महसूस कर पाया हूँ कि आज कईयों के जीवन में प्रभु ने चमत्कार किए हैं। कई परिवारों में मौत का दुष्ट बंधन टूट गया, बीमारी की बिस्तर की स्थिति बदल गई। आप उठकर बैठ जाइए, चलने फिरने लगिए, आपके हाथ पांवों में चंगाई है, लकवे की बीमारी दूर हो चुकी है, आपके शरीर में जिस किसी प्रकार का लकवा रोग था अब हाथ पैर हिलाकर देखिए, आप चंगाई देख पा रहे हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। आपने जो चंगाई पाई है, छुटकारा पाया है, उसे हमें जरूर बताइए, हम प्रभु की स्तुति करेंगे। अब सबसे जरूरी बात, आज कई लोगों ने प्रभु यीशु को अपने मन में स्वीकार किया है और कहा है कि मेरे पाप क्षमा हो जाए और मुझे पाप से छुटकारा चाहिए। तो प्रभु यीशु के लहू ने आपको धोकर शुद्ध किया और आपको आपके पापों से छुटकारा दिया है। तो अब आपको क्या करना होगा? आपके लिए एक छोटी पुस्तिका है, अब आप परमेश्वर की संतान हो। प्रभु यीशु को स्वीकार करने पर क्या होता है? तब हमें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिलता है। आज प्रभु यीशु को स्वीकार करने से आपके जीवन में क्या हुआ? यह छोटी पुस्तिका है, हम इसे निःशुल्क आपको भेजने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब आप प्रभु यीशु को स्वीकार करते हो तब आपके पाप क्षमा होते हैं, आप प्रभु की संतान बन जाते हो। तो आगे क्या करना होगा? इस उद्धार का पालन करने के लिए आपको क्या करना है? इस पुस्तिका में इसके बारे में सलाह दी गई है, आप इसे लेकर अवश्य पढ़ें। इसे निःशुल्क हम भेजना चाहते हैं। तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा भाषा में ये पुस्तिका उपलब्ध है। इसे आप जिस किसी भाषा में पाना चाहते हो तो हमारे फोन नंबर पर संपर्क करके आप एड्रेस दे दीजिए, तो ये पुस्तिका आपको भेज दी जाएगी। इसे पढ़कर आप इसके बारे में जान सकते हो। इसे आप ऑनलाइन में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, उसकी भी सुविधा है। ईमेल द्वारा भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, goodnews@jesusredeems.org पर संपर्क करें। अपने व्हाट्सएप पर IDP टाइप करके हमें भेज दीजिए, तब हम आपको इसके लिए लिंक भेजेंगे, उस पर आप इसे डाउनलोड करके इस पुस्तिका को पा सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, ये पुस्तिका आप इस पर भी पा सकते हो। आपके लिए सुविधाजनक भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, तेलुगु या फिर कन्नड़ा में आप इसे पा सकते हो। तो तुरंत हमें संपर्क करें। आपकी जो गवाही है, कईयों के जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया है, तो अपनी गवाही भेजने के लिए स्क्रीन पर फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आज कईयों के जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया है, मैं अपनी आत्मा में इसे महसूस कर पाता हूँ। मेरा मन आज बहुत खुश है, प्रभु ने उतने चमत्कार किए हैं। तो आपने जो चमत्कार पाया है उसे हमारे इस ईमेल एड्रेस पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमें जानकारी दीजिए। फोन नंबर है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, उस नंबर पर आप हमसे संपर्क कीजिए। तो प्रभु ने आपके जीवन में जो चमत्कार किया है उसके लिए प्रभु की स्तुति करने के लिए हमें वो उपयोगी रहेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस यीशु के बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोगों के लिए हमारी तरफ से हर महीने यीशु छुड़ाता है पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। जो कोई हमसे ये मांगता है हम उन सभी को निशुल्क भेजा जाता है। महीने के पहले हफ्ते में आप इसे पा सकते हो। हर महीने के वाचा का शब्द का संदेश होता है, गवाही होती है। ये सच में आपके लिए बहुत ही उपयोगी और आशीषित साबित होगा। अब तक इसे हम 4,13,000 लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, सिंहलीज भाषा में भी उपलब्ध है। अगर आप इस पत्रिका को निःशुल्क पाना चाहते हो तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल करके अपना पता बता दीजिए। हम इसे आपकी जो चुनिंदा भाषा है उस भाषा में आपको तुरंत ही भेज देंगे।
प्रभु ने आज के दिन कईयों के जीवन में चमत्कार किया है, तो उस प्रभु को आप थाम लीजिए। अगर आपको इस प्रभु के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क कीजिए, हमें जानकारी दीजिए, तो उसके अनुरूप आपको पुस्तिका भेज दी जाएगी। वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। नया नियम प्रभु यीशु मसीह के जीवन सारिणी पर आधारित सुसमाचार उपलब्ध है। अगर आपको चाहिए तो वो भी हम आपको भेज सकते हैं। उससे आप प्रभु यीशु के बारे में पूरी जानकारी पा सकते हो। अगर आप नालू मावड़े आना चाहते हो तो किसी भी दिन आप यहाँ आ सकते हो। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर सलाह केंद्र होते हैं, काउंसलिंग सेंटर, आपको सलाह देकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ उपलब्ध हैं। प्रभु यीशु के बारे में वो अधिक जानकारी देंगे, प्रार्थना करने के बारे में बताएंगे, किस तरह प्रार्थना करके आप आशीष पा सकते हो वो बताएंगे। तो इसके बारे में आप अधिक जानकारी पाने के लिए आप यहाँ आ सकते हो, यहाँ ठहर सकते हो, यहाँ पर आकर ठहर कर आप प्रार्थना करके लौट सकते हो। उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हो। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। हर दिन यहाँ पर प्रार्थना होती है, दिन में 2 बार चंगाई के लिए प्रार्थना होती है, सुबह 11 से लेकर 12:30 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक। रोजाना 2 बार परमेश्वर के तंबू में चंगाई की प्रार्थना होती है। जो यहाँ पर आते हैं वो प्रभु का संदेश सुनकर आशीष पा सकते हैं और साथ में 2 बार प्रभु की आराधना, उनकी वर्शिप कर सकते हैं, सुबह 6 से 7 बजे तक और शाम को 7 से 8 बजे तक। तो आप लोग इसमें भी भाग ले सकते हो। तो यहाँ आकर आप ठहर कर प्रार्थना करके लौट सकते हो। आप लोग यीशु को ढूंढते हुए आइए, मोहन लाजरस को नहीं। मैं तो सेवकाई करने के लिए कई चला जाता हूँ, मैं सिर्फ गुरुवार को यहाँ पर होता हूँ। मैं संदेश देकर आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। उसके अलावा आपको सिर्फ प्रभु को खोजना है। प्रभु के दास को मत खोजिए, प्रभु यीशु को खोजिए। उन्हें ढूंढोगे तो आशीष पाओगे। आपको यहाँ पर उसकी जानकारी दी जाएगी, कैसे प्रभु को खोजना है, उनसे प्रार्थना करनी है, कैसे प्रभु के साथ संगति बनाए, कैसे छुटकारा पाए, वो बताया जाएगा। अपने छुटकारे की रक्षा कीजिए, आपको मिले छुटकारे की रक्षा कीजिए। वो कैसे किया जाए उसके बारे में पुस्तिका है आपके लिए, वो हम निःशुल्क भेज सकते हैं। आपने जो चंगाई छुटकारा पाया है उसकी रक्षा कैसे करें? कुछ लोग चंगाई पाते हैं फिर जल्दी से उसे खो देते हैं, तो इसलिए हमारी चंगाई की रक्षा करना जरूरी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा उसके बारे में भी आप लोग जानकारी पा सकते हो। हर एक सलाह देने के लिए हम तैयार हैं। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। हर एक प्रकार से आप आशीषित रहें, खुश रहे, ऐसी उनकी आशा है और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। अब सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। फॉर फर्दर डिटेल्स एंड प्रेयर सपोर्ट कॉन्टैक्ट जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्रीज, नल्लुमवडी, ट्यूटिकॉरन डिस्ट्रिक्ट 628211। Our phone number 0443545455. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.